दिस इज द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो वेटेज की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से अच्छा खासा स्कोरिंग होता है। कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि क्या इस चैप्टर से वो क्वेश्चन आया है या किसी और चैप्टर का ये क्वेश्चन था। कई बार ऐसा होता है बिकॉज जैसे कि सपोज दैट अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन से हेट्रोसिस्ट के बारे में क्वेश्चन आ गया तो कई बार ये अनुमान लगा लेते हैं बहुत सारे सब जो एग्जामिन करते हैं पेपर को एनालाइज करते हैं वो सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन शायद मिनरल न्यूट्रिशन से या उठ करके किसी और चैप्टर का पार्ट है कि नहीं, या कोई डिजीज से अगर क्वेश्चन आ गया बैक्टीरियल डिजीज का क्वेश्चन आ गया तो वो उन्हें लगता है कि ये ह्यूमन डिजीज के साइड का क्वेश्चन है। ठीक है, हो भी सकता है बिकॉज ये कॉमन जब क्लैश करता है ना टॉपिक। इस चैप्टर में आपको बैक्टीरिया को पूरा डिटेल से पढ़ाने वाला हूं मैं, तो बैक्टीरिया का डिजीज अगर आता है तो क्वेश्चन चला जाता है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पे, राइट। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं दैट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल कि यहाँ से ही क्वेश्चन रहा हो। तो इस टॉपिक को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में देखने लगें तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आना तय होता है हर बार। नीट में 3 से 4 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से रहते ही रहते हैं। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं बोल रहा हूँ तो। ठीक, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे बालक? ये देखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन में ये देखने वाले हैं हम लोग कि आखिर में किस तरह से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ। ठीक है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, बात समझ में आ रहा है? कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन ट्राई किया था करने का और किसके क्लासिफिकेशन में ज्यादा दम था। दम था मतलब कौन कारगर रूप से क्लासिफिकेशन कर पाया। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे मोनेरा में जो कि सबसे पहला किंगडम होगा, फिर प्रोटिस्टा में और फिर फंजाई में। ये 3 किंगडम अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, आपको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इसके लिए पूरा एक सेपरेट चैप्टर ही बना के रखा है। ठीक है, प्लांट किंगडम का एक अलग से चैप्टर है और एनिमल किंगडम का एक अलग से चैप्टर है। तो आप इतना कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये बाकी 2 किंगडम इस चैप्टर में क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा सोचना नहीं, ये दोनों के लिए अलग अलग से 2 चैप्टर बना रखे हैं एनसीईआरटी में, तीसरा और चौथा। वो मैं अलग से आपको फिर नेक्स्ट आगे के रणनीति सेशन में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर, यहाँ हम लोग 3 किंगडम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, आगे देखते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर में ही। तो इस चैप्टर में हम लोग और भी कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और लाइक वायरस के बारे में है ना, वायरवाइड्स के बारे में, प्रियॉन्स, लाइकेंस, छोटे छोटे टॉपिक हैं। क्वेश्चंस बहुत इससे सेलेक्टिव पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बात मैं बता दूँ सबसे पहले आपको, इस चैप्टर को मैंने कैसे बनाया है, पूरा का पूरा सेशन आपको जो है देखना है सबसे पहली बात। और पूरा सेशन देखने के बाद ये मेरा 100% एकदम 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी है कि आपके लिए कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, ये मेरा 100% प्रॉमिस है आपको। ठीक है, तो यहाँ आपको सेशन देखने के बाद इस चैप्टर के अलावा इस चैप्टर के और भी कंटेंट को ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो पूरा चैप्टर यहाँ से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा फ्लो मैंने बनाया है, पूरा का पूरा आपके दिमाग में फिट करने का कोशिश मेरा रहेगा। बस आपको तरोताजा होकर दिमाग को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के फोकस होकर के यहाँ देखना है और समझना है, वीडियो में एंटायर वीडियो में बने रहना है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2.5 घंटे का ये वीडियो आपको होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ब्रेक ले लेके देख सकते हैं आप, लगभग आधा घंटा का स्लॉट एक बार देख लो, फिर आपने 5 मिनट की ब्रेक ली, आधे घंटे की स्लॉट आप ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है गाइज, तो लेट्स मूव इनटू द एक्शन, चलो शुरू करते हैं। ओके, पहला स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन की आखिर हमें जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि टॉपिक आपको दिख रहा है क्लासिफिकेशन एंड इट्स नीड, है ना, क्यों हमें नीड है, क्लासिफिकेशन आखिर क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो सिंपली आपको ये बता दूं मैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच, इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, ठीक है, एनी थिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू, किसी भी चीज को कैटेगराइज करना, ठीक है, एनी थिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, कोई भी चीज को अगर आप अपने हिसाब से, अपने सुविधाजनक हिसाब से उसको कैटेगरी में कैटेगराइज करते हो ना, तो उस पर्टिकुलर
प्रोसेस को आप क्लासिफिकेशन बोलते हो। ये चीज़ हमने ऑलरेडी टैक्सोनॉमी में भी देखा था। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, चलो आपके पास एक स्टडी का पूरा जो है क्या है, सेल्फ है, ठीक है, स्टडी बुक्स का सेल्फ आपके पास है, बुक्स का, ये बुक्स का आपने क्या रखा है, सेल्फ रखा है अपने पास। अब ये ध्यान दो, अगर सेल्फ है तो आपके पास इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे, है कि नहीं, और हर कंपार्टमेंट में आप क्या मिक्स करके सारे किताबें रख देते हो, तब आपके लिए क्या हो जाता है, काम बढ़ जाता है, क्योंकि आप अगर किताब ढूंढने जाते हो तो यू विल फाइंड दैट इट विल बी वेरी हेक्टिक टू फाइंड आउट वन पर्टिकुलर बुक, है कि नहीं। तो आपने वहां पे अपने अलग अलग कंपार्टमेंट का एक अलग अलग जोन बनाया होगा, है कि नहीं, एक में मैथ रखा होगा, एक में साइंस रखा होगा, आपने एक में SST रखी होगी, है कि नहीं, और एक में फिर अगर हिंदी है तो हिंदी रखा होगा, ऐसे बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा भाई। तो ये और कुछ नहीं, यही तो क्लासिफिकेशन है, बात समझ रहे हो। क्लासिफिकेशन कोई बहुत बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है, दिस इज ओनली द वेरी बेसिक थिंग विच यू ऑलवेज डू इन योर होम, अपने घर में भी करते हो, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू डू, है कि नहीं। अगर अपने काम को आसान करना है तो ये करना ही पड़ता है, बिकॉज दैट इज मेकिंग आवर वर्क ईजी। तो इसका एडवांटेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझ में आ गई आपको। इसका इम्पोर्टेंस आप ही खुद बताओ, अभी क्या था इसका इम्पोर्टेंस, इसका इम्पोर्टेंस यही था कि आप अपने काम को क्या कर रहे हो, आसान कर रहे हो। इट मेक्स आवर वर्क ईजियर, इट मेक्स आवर वर्क ईजियर, है कि नहीं, इट मेक्स आवर वर्क, एंड यहाँ हमारे पास कोई काम नहीं, हमारे पास क्या है, स्टडी है, इट मेक्स आवर स्टडी ईजियर, हम कह सकते हैं हमारा ये पढ़ाई में जो चीज़ें हम इंटायर सिलेबस कंप्लीट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता, बिकॉज आपको पता है कि लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारे इस डिस्कवर्ड हो चुके हैं ना, इतना स्पीसीज हम लोगों ने खोज निकाला अभी तक, जिसमें से कि लगभग 1.2 मिलियन तो सिर्फ एनिमल है भाई, 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। आप बोलो अगर एक एक को पढ़ने बैठे तो विल यू एबल टू कंप्लीट इन योर इंटायर लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन काल में भी आप इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर फायदा क्या है, करना क्या होगा, व्हाट टू डू, 0.5 आपका जो है प्लांट स्पीसीज है, 0.5 जो है आपका लगभग प्लांट है, 0.5 मिलियन, ठीक है। तो आप समझो अगर इसे हम पूरे को पढ़ने बैठेंगे तो आवर होल लाइफ विल बी completed and it cannot be covered, ये covered भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो what we need to do, we have to classify certain animals को एक group बनाना होगा, और अगर उस group के बारे में पढ़ लिया that means entire उस पूरे animals के बारे में हमने cover कर लिया है, ठीक है। तो वही हम लोग करने वाले हैं इस chapter में, classification के बारे में समझने वाले हैं, done। तो ये पूरा slide आपको clear है, आगे बढ़ जाएं, okay। अब आता है सबसे पहला अटेम्प्ट जो एरिस्टोटल साहब ने किया था, तो एरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट, एक NCERT में लाइन है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट यही था, एरिस्टोटल जी का ही अर्लीस्ट अटेम्प्ट था, इन्होंने सबसे पहला अटेम्प्ट लिया क्लासिफिकेशन के लिए, ट्राई किया, ठीक है, अर्लीस्ट अटेम्प्ट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखेंगे, इट वॉज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट। वाट ही हैज़ यूज्ड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, यानी जो बाहर से इनको दिखा उसके आधार पर इन्होंने ये ट्राई कर दिया, यूज्ड मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है गाइज, बाहर से जो कुछ आपको ऑब्जर्व हो सके, ठीक है, उस आधार पर इन्होंने क्लासीफाई किया। तो कैसे क्लासीफाई किया था, तो इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था तीन कैटेगरीज में, प्लांट को कितने कैटेगरीज में, तीन कैटेगरीज में, ठीक है। सबसे पहले हर्ब, फिर क्या श्रब, फिर क्या ट्री, यानी कि हर्ब उसे इन्होंने कहा जिसमें हरे भरे पत्तियां हो, तना उनका हरा होता है। श्रब क्या हुआ, स्लाइट ब्राउनिश कलर का इसका जो है, थिन ब्राउनिश कलर का जो इसका तना होता है। ट्री किसको बोलते हैं, ट्री बोलते हैं मोटे मोटे ब्राउन कलर के जो ट्रंक होते हैं, तो उसे इन्होंने ट्री कहा। ये था इनका प्लांट का क्लासिफिकेशन। तो एनिमल को इन्होंने कैसे क्लासीफाई किया था गाइज, तो एनिमल को इन्होंने क्लासीफाई किया था दो कैटेगरी में, जिसमें कि RBC रेड ब्लड सेल प्रेजेंट हो और जिसमें कि RBC रेड ब्लड सेल एब्सेंट हो, ठीक है। तो प्रेजेंट अगर है तो उसमें मैक्सिमम प्रेजेंट वाले केस को इन्होंने वर्टिब्रेट्स को यहाँ इसमें रखा, ठीक है, वर्टिब्रेट्स को इसके अंदर रखा, और जो एब्सेंट था जिसमें रेड ब्लड सेल एब्सेंट था उसको, उस कैटेगरी को हम लोग जनरली क्या आज के समय में बोलते हैं, आज के समय में हम लोग इसको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो ये जो है बड़ा ही क्या था, बड़ा ही वेग टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें सारे एनिमल सारे ऑर्गेनिजम्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम RBC प्रेजेंट को एक नाम दें तो हम लोग उसको बोलेंगे इनेमा, ठीक है, प्रेजेंट अगर है तो इनेमा बोलते हैं, राइट, और अगर एब्सेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनेमा। ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना इस पॉइंट को, इस है ना, ये वर्ड को एनेमा, इनेमा ऐसे याद रखना ना, एब्सेंट एनेमा मतलब ऐसे एब्सेंट। तो ये RBC अगर एब्सेंट हुआ तो एनेमा बोलेंगे, प्रेजेंट अगर है
तो हम लोग इनेमा बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोई एज सच इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें नहीं कुछ मिलता है। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो जरा देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स ये था ना कि इट इंक्लूडेड diverse organism in one kingdom, diverse organism in one group, है ना। एक ग्रुप में ला करके बहुत सारे ऐसे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म थे जिनको एक ग्रुप में नहीं रखा जा सकता, लेकिन इन्होंने रख डाला। तो ये एक तरह से इनका ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था एरिस्टोटल का अटेम्प्ट। इसमें बात इंपॉर्टेंट क्या है, बस यही कि ये अर्लीस्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट था। ठीक है, इन्होंने मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज किया, ट्री को इन्होंने हर्ब्स रब एंड ट्री में क्लासिफाई किया, एनिमल को आरबीसी और है कि नहीं है उस पर क्लासिफाई किया, तो आज के टाइम में उसे हम वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए बालक, अब आता है लिनियस के बारे में समझते हैं। तो लिनियस साहब का जो क्लासिफिकेशन था, तो उसमें हम लोगों को आज के टाइम में इसे हम लोग लिनियस के क्लासिफिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियस के क्लासिफिकेशन को ही हम लोग टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। लिनियस के क्लासिफिकेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया, ये कब दिया था इन्होंने क्लासिफिकेशन, 1758 के अबाउट दिया था इन्होंने, 18th सेंचुरी के अबाउट दिया था इन्होंने। तो दो किंगडम कौन कौन से थे, दो किंगडम थे एक एनिमल और एक प्लांटी। तो ये प्लांट और एनिमल के हिसाब से इन्होंने क्या कर दिया, दो किंगडम बना दिया, एनिमल और प्लांट। तो ये किस आधार पे किया था, बेसिस क्या था इसका, तो बेसिस था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। बेसिस क्या था, बेसिस वाज सेल वॉल, सेल वॉल है कि नहीं है वो इन्होंने देख करके सिंपली दो ग्रुप बना दिया। यानी अगर सेल वॉल एब्सेंट होता तो इन्होंने एनिमल में बोल दिया, अगर सेल वॉल प्रेजेंट होता तो ये इन्होंने प्लांट में रख दिया। अब ये देखो इससे तुम्हारा नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है, देखो गाइस, अगर सेल वॉल को सिर्फ देखना है कि प्रेजेंट और एब्सेंट है, उसके नेचर पे ध्यान नहीं दोगे तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि सेल वॉल आपको जो है फंजाई में भी है, सेल वॉल आपके बैक्टीरिया में भी है। तो सेल वॉल फंजाई और बैक्टीरिया का क्या सिमिलर है, प्लांट के नेचर से सिमिलर है, नहीं है गाइज। तो ये प्लांट को हम लोग इसके अंदर में कैटेगराइज कर दिया गया, यही इसका ड्रॉबैक था। तो याद रखना ड्रॉबैक क्या हो गया लिनियस के क्लासिफिकेशन का, तो लिनियस के क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था कि उन्होंने सेलवाल को देखा जरूर, लेकिन सेलवाल के नेचर को नहीं देखा, सेलवाल के नेचर को नहीं देखा, यानी कि फंजाई में ये नहीं देखा कि फंजाई में जो सेलवाल है वो काइटिनियस सेलवाल है, ये इन्होंने नहीं देखा, है ना। बैक्टीरिया में इन्होंने नहीं देखा कि बैक्टीरिया में जो सेलवाल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का सेलवाल है, ये इन्होंने नहीं देखा। तो ये चीज़ इन्होंने गलती कर डाली, वहाँ पर नेचर को नहीं देखा, यानी कि प्लांट में सिंपली सेलवाल देख करके रख दिया। प्लांट के सेलवाल को कौन बताएगा इन्हें कि सेलुलॉजिक सेलवाल होता है उसमें, है ना। तो ये सारे सेलवाल एक जैसे है नहीं जो कि आप एक ग्रुप में इसको रख सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा, तो ये ड्रॉबैक था इसका, क्लियर। तो फिर भी एक अच्छा खासा एक अटेम्प्ट था, सम्मानजनक अटेम्प्ट था, हम इन्हें मानते भी हैं और काफ़ी एमिनेंट साइंटिस्ट हैं, तो क्रिटिसाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन ड्रॉबैक कुछ हद तक है ना। इन्होंने क्या किया ड्रॉबैक्स अगर और बताऊं आपको, तो इसका ड्रॉबैक्स अगर और हम लोग देने लगेंगे यहाँ पे, तो ड्रॉबैक्स हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को इन्होंने कभी अलग अलग सेपरेट नहीं किया था, साथ मिला दिया था, है ना। फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी साथ मिला दिया, ठीक है। यानी प्रोकैरियोट्स और ईकैरियोट्स को भी इन्होंने क्या कर दिया, साथ मिला डाला। यानी पूरा का पूरा जो हम लोग सेपरेट फॉर्म में चाहते थे वो सेपरेट फॉर्म में नहीं बना करके एक ओवरऑल टाइप का मतलब मिक्सचर बना करके इन्होंने हमारे सामने पेश कर दिया। तो और कुछ उम्मीद हम नहीं लगा सकते, 18th सेंचुरी की बात है भाई, थोड़ा सा तो आपको इवॉल्व करना होगा ना, क्लासिफिकेशन टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ है, राइट। एनसीईआरटी में एक लाइन भी है कि क्लासिफिकेशन जो है आप अपने स्तर पे भी कुछ नया करके ला सकते हो, अगर है आपके अंदर कैपेसिटी तो, हम चाहेंगे कि आप एक्सेप्ट करें उस तरह के क्लासिफिकेशन को, ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी मोर अप्रोप्रिएट, राइट। चलिए आगे बढ़ जाएं, यहां तक क्लियर है। अब एक क्लासिफिकेशन की टाइमलाइन चार्ट मैंने आपके लिए बना के रखी है ताकि एक आइडिया आपको लग जाए कि कैसे फ्लो हुआ था, है ना। यानी कि 4th सेंचुरी की बात है जब हमारा एरिस्टोटल साहब ने प्लांट, जो आपको मैंने बताया कि हर्ब्स रब्स एंड ट्री, और एनिमल्स बताया कि रेड ब्लड सेल होगा या नहीं होगा उसके आधार पे, कब इन्होंने किया था भाई, ये 4th सेंचुरी की बात है, यानी कि 300 BC के आसपास की लगभग बात है, ठीक है।
तो अब आते थे लीनियर साहब, जिन्होंने आपको भी मैंने पीछे बताया प्लांट और एनिमल को सेलवाल के आधार पे बस बांट दिया, अलग अलग कर दिया। इट वाज 1758 की बात है। अब 1866 में देखो और अप्रोचेस सुनो, ध्यान से सुनो, और भी अप्रोचेज हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो अर्नेस्ट हेकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ तो दो किंगडम क्लासिफिकेशन तक ठीक था लेकिन उन्होंने एक और किंगडम को फिर अप्रोच किया था 1866 में, जो कि न्यू किंगडम इन्होंने कौन सा लाया था, प्रोटिस्टा। यानी अब ध्यान से सुनना, बात सुनना, ये समझने वाली बात है कि पहले से लीनियस साहब ने प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम दे दिया था, प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम ये दोनों आ चुका था किसके द्वारा, लीनियस साहब के द्वारा। अब इसके बाद प्रोटिस्टा किंगडम आ गया। प्रोटिस्टा किंगडम कौन लाके लाया भाई, इन्होंने हेकल साहब ने प्रोटिस्टा किंगडम लाके आपको दिया है, तो ये गिफ्ट है हेकल साहब के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कोपलैंड साहब आ गए, कोपलैंड साहब 1956 में आ गए, इन्होंने फोर किंगडम बोला, बोला नहीं थ्री से फोर कर दो भाई, बोला कि न्यू किंगडम आ जाएगा कौन सा, मोनेरा, तो कोपलैंड का दिया हुआ है मोनेरा, तो ये मोनेरा किंगडम आपको कौन दिया रखा है, मोनेरा किंगडम दे रखा है कोपलैंड साहब ने, वो हैव गिवन दी मोनेरा किंगडम, तो ये कोपलैंड साहब का दिया हुआ है मोनेरा किंगडम, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको एक टाइमलाइन दे रखा है कि कब कब अप्रोचेज कैसे कैसे हुए हैं, ठीक है। अब ये सबसे फेमस है, यही एनसीईआरटी में दे भी रखा है, ठीक है, 1969 वाली बात, जो कि आर एच विटेकर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की बात है, यही एनसीईआरटी में दे रखा है। यानी कि इम्पॉर्टेंट बात एनसीईआरटी में यही है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो आर एच विटेकर के द्वारा 1969, डेट भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ सकता है। और इसने कौन से किंगडम को शामिल किया, फंजाई किंगडम को शामिल किया, तो फंजाई किंगडम को जैसे ही शामिल कर दिया गया तो हो गए ना पाँच, फंजाई को शामिल करते ही आपके कितने हो गए, काउंट कर लो 1, 2, 3, 4 एंड 5, देखो पांच किंगडम आपके कंप्लीट हो गए, है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोगों को ये दिमाग में आपका पूरा फिट हो गया होगा कि आखिर समय के साथ कैसे हम लोग फाइव किंगडम पे पहुंचे हैं। इट वाज नॉट लाइक वन डे अप्रोच, है ना, एक टाइम लगा है, कितना समय लगा है, देख रहे हो 300 BC के आसपास में शुरुआत हुआ है, 1969 में जाकर के हम लोग जाके पहुंचे कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन फर्दर एक और अच्छा अप्रोच मिला, जिसमें 1990 की बात करें तो 1990 में हमारा जो है कार्ल उज जो है ना, एक साइंटिस्ट है, कार्ल उज साइंटिस्ट के द्वारा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया गया था, जिसको हम लोग आज के टाइम में थ्री डोमेन ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। आगे इसको हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, डोंट वरी। तो कार्ल उज साहब का भी एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले हम लोग देखो ये दोनों स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अर्नेस्ट साहब के क्लासिफिकेशन पे मैं उतना ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला, कोई फायदा नहीं है। कोपलैंड साहब के बारे में भी उतना डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल बस याद रख लो कि हेकल साहब ने प्रोटिस्टा दिया, कोपलैंड साहब ने मोनेरा दिया। अब हम लोग चलते हैं आर एच विटेकर पे, आर एच विटेकर साहब के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे विटेकर क्लासिफिकेशन एंड इट्स डिमेरिट। अच्छा, आपको भी ये लग रहा होगा कि भाई डिमेरिट इसका भी है क्या, तो बिल्कुल डिमेरिट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिमेरिट नहीं है, इनका भी डिमेरिट है, कुछ है देखें बताएंगे आपको अभी हम, यही आप समझिएगा, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि बेसिस क्या था इसका, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछ सकता है और क्वेश्चन आया भी है। तो इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को याद रखने के लिए याद रखिएगा सी टी एम आर पी, ये निमोनिक्स याद रख लीजिएगा। सी से हो गया सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, सी से हो गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद टी से हो गया थैलस ऑर्गेनाइजेशन, एम से हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आर से हो गया रिप्रोडक्शन, आर से क्या हो गया गाइज, रिप्रोडक्शन, ठीक है। और पी से क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, याद आ रहा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, पहले चैप्टर में ही मैंने पढ़ाया था, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी स्पीसीज, है ना, कोई भी स्पीसीज की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसे हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था वो सेल के ऑर्गेनाइजेशन, सेल के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन पर बेस्ड था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर बेस्ड था एंड रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, यानी सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, यानी कि प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, यही ना,
प्रोकैरियोट यूकैरियोट हम बात करेंगे, हम बात करेंगे कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर था कि मल्टी सेलुलर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करेंगे कि फोटोसिंथेटिक है या हेटरोट्रॉपिक है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में बात करेंगे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, है ना। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में देखेंगे कि कौन किससे इवॉल्व हुआ, इसके लिए भी हम लोग एक ट्री बनाएंगे, है ना, एक क्लासिफिकेशन ट्री बना करके आपको हम समझाएंगे। तो ये पूरा आपको व्हिटेकर क्लासिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि व्हिटेकर क्लासिफिकेशन का मेन पॉइंट यही है कि व्हिटेकर साहब ने एक नया किंगडम लेकर के आ गए। कौन सा किंगडम था गाइज? तो फंजाई किंगडम लाने पर इन्होंने सारा पांच किंगडम को कंप्लीट किया था, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया। अब आ जाते हो ड्रॉबैक पे, क्या इनका भी ड्रॉबैक कुछ रहा था? यस, बिल्कुल ड्रॉबैक रहा, क्योंकि इन्होंने वायरस को कहीं इंक्लूड नहीं किया, है ना। इनको इसको किस किंगडम में इंक्लूड करोगे भाई? वायरवाइड्स को कहीं नहीं इंक्लूड किए हो। फंजाई को, अच्छा फंजाई तो इन्होंने किया था, सॉरी फंजाई को इन्होंने तो लाया ही था, है ना। मैं लाइकेंस की बात कर रहा था, आई एम सॉरी गाइज। तो लाइकेंस को इन्होंने कहीं भी किसी किंगडम में नहीं रखा, ये तो नाइंसाफी हो गई ना। लाइकेंस को तो भी रखना चाहिए, क्या वो अपने अंदर में ऑर्गेनिज्म नहीं है? डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। तो ये सब कुछ इन्होंने नहीं रखा था। एक और ड्रॉबैक था क्या, कि यूनिसेलुलर एल्गी, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर एल्गी जो है, जैसे कि आप पढ़ोगे अभी क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला, क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला को इन्होंने किस किंगडम में रखा था पता है? इन्होंने क्लोरेला और क्लाइमाइडोमोनास को, देखो ये एल्गी है तो रखना चाहिए था किस में? आपको रखना चाहिए था प्लांट में, बट क्लोरेला एंड क्लाइमाइडोमोनास को इन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया था, प्रोटिस्टा किंगडम में। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे गलत बात है। बाकी सारे मल्टी सेलुलर एल्गी को फिर आपने क्यों प्लांटी में रखा, बताओ? ये तो क्वेश्चन उठ रहा है ना, ऐसे क्यों नाइंसाफी आपने किया? एल्गी के ही कुछ दो चार ग्रुप को अलग अलग क्यों किया? तो ये भी एक इनका अप्रोच ड्रॉबैक के अंदर आता है, ये प्लांटी में रख दिया था इन्होंने, ठीक है। और एक अप्रोच हम लोग बोल सकते हैं इनके ड्रॉबैक में, कि ये जो है इन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं किया, क्योंकि किसी भी एक ग्रुप में अगर हम बोलें तो एकदम सेपरेट कुछ फॉर्म नहीं था, ठीक है। हर ग्रुप में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसे मिक्स था जो कि उतना भी आउटलुक अच्छा नहीं दे रहा था। बट सम्मान करेंगे गाइस, क्योंकि सबसे जो अच्छा फेमस जो आपको क्लासिफिकेशन है वो व्हिटेकर के ही क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने याद करने का ट्रिक दे दिया आपको, CTMRP से याद कर लो, ठीक है। और इनके ड्रॉबैक में दो पॉइंट याद कर लो, कि वायरस, वायरवाइड्स और लाइकेंस को इन्होंने कहीं कोई जगह नहीं दिया। एक सेपरेट ग्रुप भी बना दिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन कोई ग्रुप इनका नहीं हुआ था। अब आते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। देखो ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल तो उतना नहीं जाएंगे क्योंकि NCERT में नहीं है। तो ये जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसने तीन डोमेन बना दिया, इसको थ्री डोमेन भी बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिया था भाई सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन? अभी जस्ट मैंने बताया है, तो ये आपको याद होगा कार्ल उज के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कार्ल उज साहब ने इसे दिया है, ठीक है ना। और ये कब दिया है कार्ल उज साहब ने? 1990 में दिया, ओके। तो ये थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम से भी नाम से जाना जाता है। इट वाज बेस्ड ऑन, इसका बेसिस क्या था? तो इस बार बेस्ड ऑन RRNA सीक्वेंस, RRNA के सीक्वेंस के आधार पर बेस्ड था। देखो ये नया अप्रोच था कि RRNA के सीक्वेंस को पढ़ा जाए। RRNA के सीक्वेंस को क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि RRNA के सीक्वेंस जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। फाइलोजेनी को यहाँ पे देखा गया था, फाइलोजेनी के अप्रोच को यहाँ पे रोल लिया गया था, ठीक है। फाइलोजेनी मतलब आपको बता चुका हूं मैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री गाइस, ठीक है। तो ये अप्रोच यहाँ पर काम आया था, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की अप्रोच को यहाँ पे इन्होंने यूज किया था। तो डोमेन आर्की में कौन से चीज को रखा इन्होंने? आर्की बैक्टीरिया को रखा, ठीक है। यहाँ पे यू बैक्टीरिया को रखा, है ना। अगर किंगडम की हम बात करें, तो किंगडम की अगर हम यहाँ बात करने जाएं, तो किंगडम आर्की बैक्टीरिया, किंगडम यू बैक्टीरिया और जो भी चार किंगडम है, यानी कि प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, सब कुछ इन्होंने यूकेरिया में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया एनिमिलिया। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे आपको पता चलेगा अभी आगे, क्योंकि ये ऑल जो चारों किंगडम है वो सभी के सभी यूकेरियोट्स थे। ये सभी के सभी क्या हैं? यूकेरियोट्स हैं। बाकी ये दोनों जो थे वो प्रोकैरियोट्स थे, और इनके RNA का सीक्वेंसिंग अलग मिला इन्हें, तो इनको दो डोमेन में रख दिया गया, ठीक है। तो ये एक थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जस्ट इतना ही काम का चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, और सच इतना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं था। अब आगे एक हम लोग ट्री देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ट्री,
यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कौन कैसे इवॉल्व हुआ था। ठीक है, तो समझिएगा सबसे पहले जो है किंगडम मोनेरा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो किंगडम है वो कौन है, किंगडम मोनेरा सबसे पहले, क्योंकि ये एकदम से बेसिक है, क्योंकि ये क्या है, यू नो इट इज प्रोकैरियोटिक, ये क्या है प्रोकैरियोटिक है। बाकी जो भी इसके ऊपर आएंगे, इसके ऊपर जो भी आने वाले हैं अभी, आपको पता चलेगा कि सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। मैंने लाइन घींच दिया है क्योंकि नीचे अगर है तो प्रोकैरियोटिक, ऊपर है तो यूकैरियोटिक। ठीक है, इसके बाद एक अलग से जो किंगडम आया वो कौन है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा इसके बाद आया। इसके बाद कौन से किंगडम आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा आ गए। और यहाँ से फिर अलग अलग लाइनेज में अलग अलग किंगडम का जन्म हुआ है, यहाँ से अलग अलग लाइनेज में अलग अलग किंगडम का जन्म हुआ है। ये ट्री की तरह दिखता है, इसीलिए मैंने आपको ट्री बोला। एक अलग कलर ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियर करता हूँ मैं, है ना। चलो देखो, अब यहाँ से सुनो कि ये जो प्रोटिस्टा है वो डेवलप हुआ कहाँ से, प्रोटिस्टा डेवलप हुआ कहाँ से गाइज, ये हुआ मोनेरा से। और मोनेरा प्रोटिस्टा से डायरेक्ट जो निकला है वो ये कौन सा किंगडम है, ये है फंजाई किंगडम, ये है फंजाई किंगडम। ठीक, ये क्लियर है। और यहां से निकला हुआ है ये जो किंगडम है वो है एनिमिलिया किंगडम, ये है एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, अच्छा, और यहां से जो ये किंगडम आप देख रहे हो ये है प्लांटी किंगडम। क्लियर करेंगे अभी आपको, थोड़ा और इंतजार कीजिए, समझ में पूरा ट्री आ जाएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, पूरे ट्री को बना लूं फिर आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा। अच्छा, ये प्लांटी को हम लोगों ने इधर क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे ऑटोट्रॉपी देखने मिलता है, यानी ये अपना फूड खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यहाँ पे इसको अलग से क्यों रखा, क्योंकि यहाँ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलता है, सड़े गले चीजों पर इन्होंने फीड करना अपना शुरुआत किया था, इसीलिए इसको अलग रखा, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक हालोजोइक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलता है, तो इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। राइट गाइज, तो ये इस तरह से इन्होंने अप्रोच लिया था। ये ट्री जो बनाया है मैंने, पूरा का पूरा मैं आप क्लियर आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए, फिर से ध्यान से सुन लो गाइज, क्लियर हो जाएगा पूरा, नो कन्फ्यूजन। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के आधार पे मोनेरा को और प्रोटिस्टा को अलग किया, ये लाइन के आधार पे। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पे जो है इसको एक और लाइन यहाँ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी नीचे है वो यूनिसेलुलर है और जो भी ऊपर है वो मल्टी सेलुलर है, जो भी ऊपर है ना वो मल्टी सेलुलर है। तो एक और हमारे पास देखो लाइन बन के बॉर्डर आ गया, पाकिस्तान और इंडिया का लाइन है ना, ये अलग अलग लाइनिंग है। तो आप समझ में आ रहा है, ऊपर में जो बच गए तीनों के तीनों वो सारे के सारे कौन है, मल्टी सेलुलर है, यानी एनिमिलिया, फंजाई और प्लांट, ये तीनों कौन है, मल्टी सेलुलर। और नीचे में जो भी आपको दिख रहा है किंगडम प्रोटिस्टा मोनेरा वो कौन है, यूनिसेलुलर। राइट गाइज, क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोगों को उस तीनों को अलग अलग करना था, अलग अलग किया भी है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया गाइज, अलग अलग कर दिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, जैसे कि प्लांट के केस में क्या होता है, अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपी है ना। फंजाई के केस में वो डेड एंड डिकेड और चीजों पे वो खाना अपने खाते हैं, है ना, फीड करते हैं, है ना। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल में देखने को मिलता है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन ट्री को समझा है। ठीक है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे अलग अलग किंगडम को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे आते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में थोड़ा डिस्कशन ये होगा कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर, है ना, ऑर्गेनिजम्स को कैसे कैसे सेपरेटली डिवाइड करना होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रॉडली वी कैन क्लासीफाई इट इंटू, है ना, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, ब्रॉडली अगर हम लोग इसको क्लासीफाई करें तो। ये काम आने वाला है चार्ट में, अभी हम लोग समझेंगे तो, इसलिए पहले आपको मैं क्लियर कर दूं। अब आता है ऑटोट्रॉपिक, दो टाइप का होता है ऑटोट्रॉपिक होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, है ना, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक, एक होता है क्या, कीमो ऑटोट्रॉपिक, यानी जो सनलाइट की मदद से अपने भोजन को स्वयं बनाएंगे वो हो गया फोटो ऑटोट्रॉपिक, सनलाइट की मदद से, जो कि केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से अगर खुद के भोजन को बना रहे हैं, केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके बना रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉपिक्स हो गए, केमिकल ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस के थ्रू अगर बन रहा है तो वो कीमो ऑटोट्रॉपिक्स के अंदर आ गया। अब हेटरोट्रॉपिक के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, यहाँ पे भी मेनली हम लोग इसको चार तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले होलोजोइक, जो कि होल इनगल्फ जो करेगा फूड को,
होल फूड को इनगल्फ करेगा, वो होलोजोइक हो जाएगा। सेप्रोफाइटिक हम लोगों ने बताया आपको, जो कि डेड एंड डिकेड चीजों पर अपना भोजन बनाएंगे वो सेप्रोफाइटिक हो जाएंगे। फिर पैरासिटिक हो जाएंगे, जो कि क्या होता है इन दैट कंडीशन पैरासिटिक में होस्ट के ऊपर जो है पैरासाइट जो लेकर के डिराइव करता है न्यूट्रिशन, है ना, और अपने आप को नरिश करता है। उसके बाद आखिरी में एक आपको है मिक्सोट्रॉपिक, यानी कि कभी वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, कभी वो आपको जा करके ऑटोट्रॉपिक में भी जा सकता है, जैसे केस हम लोग देखेंगे यूग्लिना में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का कुछ आइडिया लग गया। इससे फायदा क्या होगा, एक टेबल अभी आपको मैं मिलने वाला है, उसको क्लियरली आप समझ पाओगे। ठीक है, डन। अब ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का एक मैंने चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर किया है, इसको देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमिलिया, जिसमें कि मोनेरा को हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। बिल्कुल सही है, वो आप याद करो ट्री जो हमने बनाया था यूनिसेलुलर था और वो प्रोकैरियोट्स भी था। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोट्स है, तो इसको ध्यान देना है। दोनों यूनिसेलुलर है बट एक प्रोकैरियोट्स है और एक यूकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का भी अगर मीनिंग किसी को क्लियर नहीं है तो वी विल बी डिस्कसिंग इट आफ्टरवर्ड्स। हम लोग अभी तुरंत इसको देखेंगे भी कि आखिर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का डिफरेंस बिटवीन भी इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब फंजाई में आ जाओ। फंजाई में फिर क्या एक्स्ट्रा चीज मिलेगा, मल्टी सेलुलर ये भी है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, ये भी यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स हैं। लेकिन अब डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा हमें, सेल वाल में मिलेगा, यानी कि इसके जो सेल वाल होंगे वो काइटिनियस नेचर के सेल वाल होते हैं, इनके सेल वाल सेलुलोजिक टाइप ऑफ नेचर के होते हैं, और इनके सेल वाल क्या होते हैं, सेल वाल यहाँ पे एब्सेंट होता ही नहीं है सेल वाल। ठीक है गाइज, तो यहां तक इतनी बातें आपको क्लियर है, इज इट ऑल क्लियर टू यू? तो ये हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन को कंप्लीटली हम लोगों ने समझा है। ठीक है, सो लेट्स टेक अ ब्रेक, आप लोग भी ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, सो वेलकम बैक टू दिस सेशन गाइज। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्लासिफिकेशंस पूरा क्लियर कर लिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं। एक टेबल आपके सामने, मैंने आपको बोला था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस लेंगे। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस सबको, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिन भाई बहनों को पता नहीं है थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहला पॉइंट कि प्रोकैरियोट्स में होता किस तरह के डीएनए है, सर्कुलर डीएनए होते हैं, और यूकैरियोट्स में होते हैं लीनियर डीएनए। कौन से डीएनए? लीनियर डीएनए। ठीक है, डबल हेलिक्स आपको जनरली देखने मिलेगा। इसके जो न्यूक्लियस रीजन होते हैं ना, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इनसेपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियो जोम हम लोग इसको आगे चल के जो है ना और भी नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि जब मोनेरा पढ़ेंगे तो डिटेल डिस्कशन वहां कर लेंगे। ठीक है, ये पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही बोलते हैं, अलग से कोई नाम नहीं दे रहे। क्रोमोजोम यहाँ सिंगल होगा, यहाँ सेवरल क्रोमोजोम्स देखने मिलेगा। यहाँ पे जो जीनोम होंगे वो हैप्लॉयड होंगे, और यहाँ पर जो जीनोम होगा वो डिप्लॉयड जीनोम देखने मिलेगा। प्लाज्मिड डीएनए बताऊंगा मैं क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए। तो ये जो है यहाँ देखने के लिए मिलेगा, प्रेजेंट होता है ये, है ना, और यहाँ पे ये एबसेंट होता है। हिस्टोन यहाँ पे जो है, यानी कि जो क्रोमोजोम है वो बाइंड है हिस्टोन से, नहीं बिल्कुल नहीं है, एब्सेंट है। यहाँ पे हिस्टोन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे साइटोस्केलेटन एब्सेंट है, जनरली आपको साइटोस्केलेटन यहाँ देखने नहीं मिलेगा, और यहाँ पे साइटोस्केलेटन इसका प्रेजेंट होता है। सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोट्स यू नो वेरी वेल, इट इज, सॉरी गाइज, इट इज स्मॉलर इन साइज, दैट इज 0.5 से 100 माइक्रोन के आसपास, है ना, और ये 10 to 150 तक के साइज में और इससे भी ज़्यादा साइज में हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इसके सेल वाल होते हैं, सेल वाल अभी आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगा। तो सेल वाल इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन के बना होगा। ठीक है, जिसमें कि आपका जो है ना एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, नाग और नाम आपने पढ़ा होगा, तो ये इससे कंपोज होते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो है सिंपल सेल वाल यहाँ जनरली आपको देखने मिलेगा, अगर सेल वाल प्रेजेंट भी होगा ना तो बहुत ही सिंपल सेल वाल टाइप का होता है। ठीक, राइबोसोम इसके 70S होते हैं, मतलब कि 50 प्लस 30 दो सब यूनिट होता है, एंड इसके राइबोसोम में 80S होता है, यानी कि आपको 60 प्लस 40S का देखने मिलेगा, इसमें दो सब यूनिट होंगे। ठीक है, सब यूनिट ऐसे बनता है। ठीक, ये आपको हो गया 60S, ये 40S। ठीक है,
और उसके बाद बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स, इसमें जनरली माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी अपरेटस, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होंगे। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स सेवरल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यही है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। मतलब कह सकते हो कि प्रोकैरियोट्स जो है वो एक टाइप का क्या है, प्रिमिटिव सेल, और प्रिमिटिव सेल है ना, इसमें कुछ खास उतना है नहीं, बस बेसिक सा चीज़ें हैं, प्रिमिटिव सेल है। और ये कैसा सेल है, ये एडवांस्ड सेल है। ये इतना सा अगर तुम बोल दो ना तो दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा। तो ये एडवांस टाइप ऑफ सेल है, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। इतना डिफरेंस बिटवीन अगर आता है तो पूरा का पूरा आपके माइंड में क्लियर होगा। तो ये मैंने आपको जस्ट फोकस कराया एक बार कि आपको डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स आएगा कि नहीं आएगा, आता है कि नहीं आता है। आता ही होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन ये मैंने आपको एक बार रिवाइज भी करा दिया। आगे बढ़ जाएगा गाइस, एनसीईआरटी का ये चार्ट बहुत ही प्यारा चार्ट, आपको अब यहाँ पे मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने अधिकतर चीज़ें पीछे कवर कर दी है। सेल टाइप मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि मोनेरा ही केवल प्रोकैरियोट होता है, बाकी सारे यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वाल मैंने भी ऑलरेडी बता दिया कि मोनेरा में आपके जो होते हैं नॉन सेलुलॉजिक पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पॉलीसेक्राइड्स अमीनो एसिड्स होंगे इसमें, है ना। यूकैरियोट प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें किसी किसी में प्रेजेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन अधिकतर में एब्सेंट होता है। यहाँ पे भी होता है सेल वाल, लेकिन यहाँ पे काइटिन का होता है सेल वाल बना हुआ, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हम लोगों ने कर चुका है, ठीक है। सेलुलोजिक सेल वाल प्लांट में होता है, यहाँ पे सेल वाल एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है, एनिमल में क्यों होगा सेल वाल, है कि नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर लो आप, है कि नहीं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोकैरियोट जो होते हैं ना प्रिमिटिव होते हैं, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा नहीं, बाकी सभी यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो आप जस्ट कॉपी पेस्ट कर दो पहले वाले को ही, है ना। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेलुलर दोनों यहाँ पे यूनिसेलुलर था, याद कर लो यूनिसेलुलर, बाकी सभी के सभी क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ये सभी के सभी मल्टीसेलुलर हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ एनसीईआरटी ने लिखा है कि फंजाई में लूज टिश्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है। लूज टिश्यू का मतलब टिश्यू है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पहुंच गया है, लेकिन टिश्यू के बाद ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत रेयर है। टिश्यू है टिश्यू, लेकिन लूज फॉर्म में है। उसके बाद यहाँ पे प्लांट में टिश्यू के लेवल तक भी है, ऑर्गेन के लेवल तक भी है, लेकिन सबसे एडवांस जो सिस्टम है ऑर्गेन सिस्टम तक आप देख सकते हो, वो लेवल एनिमिलिया में है, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की क्या ही बात करें गाइस, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही डिटेल डिस्कशन ले चुके हैं, चार्ट बना करके मैंने वहाँ पे इसीलिए क्लियर किया था आपको, ताकि आप समझ सको कि ये सब का मीनिंग क्या है, ऑटोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक क्या है। तो ये प्रोकैरियोट्स में आपको डाइवर्स फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिलेगा, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक यहाँ पे देखने मिलेगा, ऑटोट्रॉपिक में भी कीमो ऑटोट्रॉपिक देखने जल्दी से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई में हो गया। हेटरोट्रॉपिक में भी आप बोलो कौन सा, बहुत समझदार हो गए आप, सेप्रोफाइटिक टाइप का है कि नहीं, बिल्कुल सही। ऑटोट्रॉपिक में भी बोलो यहाँ पे प्लांट में क्या लिख दूं मैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल समझदार हो चुके हो, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक में भी एनिमल में क्या लिख दूं बोलो, एनिमल है तो होलोजोइक होगा मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। तो ये मैं आपको इतना सारा जो चार्ट आपके सामने, एनसीईआरटी का चार्ट है, आप ध्यान दिए होंगे, ये पूरा चार्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाएं, अब हम लोग पॉइंट मोनेरा उसके बाद आएंगे, मोनेरा में पूरा डिस्कशन होगा, फिर प्रोटिस्टा में पूरा डिस्कशन होगा, फंजाई में डिस्कशन कर लेंगे, तो ये तीनों किंगडम हम लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएं, मोनेरा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनेरा किंगडम की, क्या बात है इसमें मोनेरा किंगडम में, डिस्कस कर लें गाइज मोनेरा किंगडम। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम। सोल का मतलब क्या होता है, एक अकेला एक लौता मेंबर है इस पूरे किंगडम में, कौन है इस किंगडम में एक अकेला लौता मेंबर, दो वो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम, ठीक है गाइज। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है, यहाँ पे एनसीईआरटी के आधार पर आप समझो तो इसको दो ग्रुप्स में बांटा गया, एक हो गया आर्की बैक्टीरिया, एक हो गया यू बैक्टीरिया, एक हो गया आर्की बैक्टीरिया, एक हो गया यू बैक्टीरिया, ओके गाइज। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, ओके। अब यहाँ पे समझना कि आर्की बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, इसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया किसे बोलते हैं, तो ये होता है आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। यानी कि यू बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया हो गया, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। तो क्या ये आर्की बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया है, ऐसा नहीं है, ये हम लोग प्रिमिटिव एंड ट्रू बैक्टीरिया के आधार पर बांटेंगे। तो अब एक थोड़ा सा बात समझ लेते हैं कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, काम का चीज है, कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हम लोग
एंटोन वैन लुवेनहुक को बोलते हैं, एंटोन वैन लुवेनहुक। एक बार स्पेलिंग क्लियर कर लेना, साइंटिस्ट हैं तो इनके स्पेलिंग पर थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन फिलहाल सही ही होगा। तो एंटोन वैन लुवेनहुक इज नोन एज फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी, ठीक है। और ये बैक्टीरिया टर्म किसने दिया, बैक्टीरिया जो टर्म है वो किसने दिया था, तो बैक्टीरिया टर्म वॉज गिवन बाई एहरेनबर्ज। कुछ नहीं है, ये सब कुछ एकदम से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको सेंस में बनाने के लिए ये सब कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि मोनेरा का सबसे एक लौता मेंबर इस किंगडम का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का पूरा राज है। और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका हैबिटाट कहाँ है भाई, ये मिलता कहाँ पे है, तो एक लाइन यहाँ पे आपको मिलेगा, कॉस्मोपॉलिटियन है ये, कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर। कॉस्मोपॉलिटियन इन नेचर का मतलब कि एवरीवेयर, हर जगह ये देखने आपको मिल जाएगा, है ना। गर्म से गर्म एरिया में मिलेगा, ठंडे से ठंडे एरिया में मिलेगा, यानी कि आप बैक्टीरिया को ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ बैक्टीरिया नहीं होगा। बैक्टीरिया हैज़ इनहैबिटेड मोस्ट ऑफ दी एरिया, बहुत जगहों पर ये बैक्टीरिया अपना राज अपना कब्जा बना चुका है, ठीक है। यानी कि आपके शरीर में आप जो बोल रहे हो जिस मुंह से, उस मुंह में भी बहुत बैक्टीरिया होंगे, है ना, राइट। आप जैसे कि सपोज दैट आपके स्प्यूटम में बहुत से बैक्टीरियाज हैं, यू नो, है ना, आपके इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में भी लाई करते जो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप डिपेंड करता है समझने पे कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी है और उससे नुकसान भी कई जगह पर होता है, ठीक है। जैसे कि डिजीज भी, बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीजेस भी हैं, तो उस जगह पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया आर आवर फ्रेंड ऑल्सो एज वेल एज आवर फोए ऑल्सो, तो बैक्टीरिया हमारे लिए दुश्मन भी हमारा दोस्त भी है। बैक्टीरिया आर आवर फ्रेंड एज वेल एज फोए, एज वेल एज फोए, फोए का मतलब क्या होता है, दुश्मन, या आप लिख दो एनिमी, हमारा ये दुश्मन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि क्या कर रहा है बैक्टीरिया हमारे लिए, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं गाइज। तो सबसे पहला चीज है कि शेप ऑफ बैक्टीरिया, एनसीईआरटी में शेप ऑफ बैक्टीरिया के आधार पे बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई किया है। तो उन्होंने शेप के आधार पे बैक्टीरिया को, एक है कोकाई, कोकाई का मतलब हो गया स्फेरिकल शेप, कोकाई का मतलब कैसा शेप हो गया, स्फेरिकल, देख पा रहे हो फिगर में। बेसिलाई, बेसिलाई का मतलब हो गया रॉड शेप, बेसिलाई का मतलब रॉड शेप। स्पायरुलम मतलब कि स्पायरल, स्पायरुलम का मतलब स्पायरल शेप्ड। स्पेलिंग इसको थोड़ा सा मेरे पहले आर लिख दिया, तो इसको मिटा लेते हैं और करेक्ट लिखते हैं स्पेलिंग, ठीक है गाइज, ओके। ये हो गया स्पायरल शेप्ड, ठीक है। और इसके बाद ये आपको कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना कॉमा टाइप का, तो ये हो गया कॉमा शेप्ड, ठीक। अब ये थोड़ा स्फेरिकल में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये आपको जो है चेन बना दिया, लाइन में बन रहा है ऐसे, तो हम लोग इसको स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं, स्ट्रेप्टो वर्ड इसी के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर गुच्छे में बन रहा है, ठीक है, ग्रुप में बन रहा है ना, क्लस्टर्स बन रहा है, तो ये गुच्छों के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं स्टेफाइलो, गुच्छों के लिए वर्ड यूज होता है स्टेफाइलो। तो ये दो पॉइंट आपको थोड़ा याद रखने के बात है, ठीक है। तो ये हो गया शेप के आधार पर स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, राइट, एवरीबडी अंडरस्टूड। तो ये आपको शेप के आधार पे चार तरीके से आप बोल सकते हो बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हो, स्पायरल शेप, स्फेरिकल शेप, स्पायरल शेप, रॉड शेप्ड, है ना, और कॉमा शेप। डन गाइज, क्लियर है सबको, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। चलो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको, है ना, कि बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ आपको बैक्टीरियल सेल, ये जो मैंने बाहर बनाया है वो बनाया है कैप्सूल, सुनना ध्यान से, ये क्या बनाया है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर जो हमने बनाया है वो बनाया है, कैप्सूल के अंदर ये जो बनाया हमने वो बनाया है सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर जो हमने बनाया है वो बनाया है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर जो हमने बनाया वो क्या बनाया है, सेल मेम्ब्रेन। तो ये पहले की आप देख लो, इसमें आपको पूरा क्लियर समझ में आ रहा होगा, कैप्सूल जो होता है वो कहाँ लाई करता है, इट लाई आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल, है ना, और सेल वॉल फिर उसके अंदर, फिर सेल मेम्ब्रेन। ये तो पूरा क्लियर हो गया, है ना। और सेल वॉल इसका किससे बना होता है गाइज, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होगा। इसमें आपके शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं नाग और नाम, है ना, नाग और नाम, एन एसिटाइल ग्लूकासोमाइन, एन एसिटाइल ब्यूरामिक एसिड, ठीक है, लिख लेना अगर जरूरत पड़े तो। ये जो इनफोल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये इनफोल्डिंग को हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। ये जो इनफोल्डिंग है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजोजोम। मीजोजोम एक्चुअली वर्क करता है एज माइटोकॉन्ड्रिया, जो काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है ना,
एनर्जी प्रोड्यूस करना, वही काम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का ही वर्क एज सच प्ले करता है मीजोजोम। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बैक्टीरियल सेल बोलते हैं इसको, मीजोजोम को, ठीक है। ये इनफोल्डिंग होता है और कुछ नहीं है, ये इनफोल्डिंग आप देख रहे हो ना, ये फोल्ड कर रखा है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जहाँ फोल्ड हुआ है वो मीजोजोम हो गया। अच्छा, इसके अंदर में छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, क्लस्टर्स बना करके अगर हैं तो ये क्लस्टर्स जो है ना वो पॉलीजोम कहलाता है, यानी कि राइबोजोम का ग्रुप। राइबोसोम ऐसे एज सच सिंगल भी मिल सकता है आपको, लेकिन अगर ग्रुप में है तो उसको हम लोग पॉलीजोम्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो न्यूक्लियस है वो देखो कैसे स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेगा, ये न्यूक्लियस आपको स्कैटर्ड फॉर्म में, तो ये आप न्यूक्लियस नहीं बोल करके क्या बोलोगे इसको, अभी अभी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया, इसको क्रोमोसोमल डीएनए या फिर आप इनसेपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हो, इनसेपिएंट न्यूक्लियस है ना, या फिर आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोइड रीजन बोलोगे, ये मैंने डिस्कस जस्ट अभी पीछे किया था आपके साथ, ठीक है। और इसके बाद अलावा, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड डीएनए बोलते हैं, प्लाज्मिड डीएनए, यहाँ तक क्लियर है। प्लाज्मिड डीएनए इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये स्मॉल सर्कुलर होता है, डबल स्मॉल लिख लो इसकी प्रॉपर्टी, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक, ओके। ये न्यूक्लियोइड को आप जीनोफोर ही बोल सकते हो, ये एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है जीनोफोर, कभी क्वेश्चन अगर आ जाए पलट के तो आप कभी भूलना मत, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा अपेंडिजेस के बारे में, बाहर से कुछ कुछ लगा भी होता है इसके ऊपर, ठीक ना, वो भी थोड़ा दिखला देते हैं आपको, बाहर से कुछ कुछ इसके ऊपर लगा भी रहेगा, ध्यान से देखना। जो सबसे बाहर से ऐसे ऐसे लगा हुआ है, जो सबसे बाहर की तरफ से लगा हुआ है वो होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला, फ्लैजिला हेल्प किस में करता है गाइज, फ्लैजिला विल हेल्प इन स्विमिंग, ये है फ्लैजिला इसका, फ्लैजिला, पीला पेन से ही शायद दिखाना ठीक रहेगा, है ना, तो ये हम लोग इसको पेन भी चेंज कर लेते हैं, वही ठीक था। तो फ्लैजिला हेल्प किस में करेगा आपको, स्विमिंग में, ठीक, स्विमिंग में फ्लैजिला हेल्प कर रहा है, ओके। अंदर से भी आपको दो स्ट्रक्चर देखने मिल जाएगा, ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है, ये पाइलस है, पाइलस इसको बोलते हैं, तो पाइलस जो है सेक्स पिलाई, इसको सेक्स के कंजुगेशन में आप देखोगे कि इसका रिप्रोडक्शन में एज सच रोल होता है, कंजुगेशन में इसका रोल होता है, ठीक है, वहां पे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद अंदर में और एक ठो दो ठो आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, लाइक फ्लैजिला भी देखा, तो फ्लैजिला के अलावा अंदर में और स्ट्रक्चर है, जैसे कि फिम्ब्री जो होता है वो किसमें इंपॉर्टेंट होता है, फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट, है ना, किसी सरफेस से अगर अटैच होना होगा बैक्टीरिया को तो वो इसी से अटैच होता है, फिम्ब्री से ही, दैट इज फॉर अटैचमेंट। तो ये एक ओवरऑल व्यू मैंने आपको बना दिया कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम सेल, सेल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डन। एक बार ओवरव्यू ले लो पूरा अच्छे से तो कंप्लीट हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाते हैं। डिफरेंट क्लासिफिकेशन, तो अभी एनसीईआरटी ने क्लासिफाई किया था इसको ऑन द बेसिस ऑफ शेप, लेकिन हम लोग दो तरीके और भी समझेंगे जिसमें कि क्लासिफिकेशन हो सकता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के आधार पे बड़ा ही फेमस इसका क्लासिफिकेशन है, याद होगा, इट इज ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज नॉट मच यूजफुल टू यू, एनसीईआरटी में जो भी दे रखा है वही जानना है, लेकिन यहाँ थोड़ा इसको बेसिक ले लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, या ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिलम, जो अभी पीछे हम लोग स्ट्रक्चर देखा फ्लैजिलम, उसके हिसाब से भी इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इट इज मोनोट्राइकस, ठीक है, मोनोट्राइकस में क्या होगा, बैक्टीरिया के एक तरफ से ही फ्लैजिला लगा रहेगा, ठीक है, उसके बाद एम्फीट्राइकस दोनों तरफ से लगा रहेगा, ठीक है, पेरीट्राइकस पूरा पेरीफेरी में लगा रहेगा, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा स्टेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, स्टेनिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेनिंग जो होता है ना, ग्राम पॉजिटिव का स्टेनिंग, ग्राम नेगेटिव का स्टेनिंग, वो कैसे होता है वो समझ लो। सबसे पहले हम लोग इसमें जो है चार स्टेप्स होता है, ठीक है, चार स्टेप। पहले क्या करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से हम लोग इसको जो है क्रिस्टल वायलेट से इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं,
फिर इसको डीकलराइज करते हैं। डीकलराइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इथेनॉल यूज करते हैं। डीकलराइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, इथेनॉल। उसके बाद हम लोग सेफ्रोनिन या इसी तरह से कोई भी और भी अगर अवेलेबल है लैब में, डिपेंड करता है, तो उससे हम लोग इसको रंगते हैं। तो जब यहाँ डीकलराइज हो गया तो सारे के सारे बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएंगे, डीकलराइज होकर के एक कलर के हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही सेफ्रोनिन डालोगे तो अगर आपका पॉजिटिव है तो वो ब्लू या पर्पल कलर ले लेगा, ब्लू या पर्पल कलर ले लेगा। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो रेड कलर या पिंक कलर ले लेगा, अगर नेगेटिव है तो रेड या पिंक ले लेगा। तो ये कलर पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा कलर मिल रहा है एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसके आधार पे आप इसको डिवाइड कर दो, है ना। इसी तरह से यहाँ पे अगर बात करें मोनोट्रैकस एक तरफ हो गया, फिर मैंने एम्फीट्रैकस में क्या बताया कि दोनों साइड में एम्फीट्रैकस में आपको फ्लैजिलम देखने मिल जाएगा। पेरीट्रैकस में क्या होगा, ओवरऑल पूरे पेरीफेरी में ऐसे कहीं भी किसी तरफ से भी आपको देखने ऐसे मिल जाएगा। ए ट्रैकस में क्या होगा, ए ट्रैकस में, ए ट्रैकस मतलब क्या कि फ्लैजिला वहाँ एबसेंट है, होगा ही नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोफोट्रैकस होता है, जिसमें लोफोट्रैकस में क्या मिलेगा आपको, एक ही तरफ मिलेगा लेकिन क्लस्टर में मिलेगा। लोफोट्रैकस में एक तरफ आपको मिलेगा और क्लस्टर में मिलेगा, ये देखो एक तरफ है क्लस्टर में। तो आई थिंक यहाँ पे जो मैं बना रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं लोफोट्रैकस का यहाँ पे बना देता हूँ। ये देखो लोफोट्रैकस एक तरफ ही है और पूरा क्लस्टर में है, ये ट्रैकस में बिल्कुल है ही नहीं, ये खाली एक सेल है, ठीक है। पेरीट्रैकस तक दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर पेरीट्रैकस में पूरा पेरीफेरी पे दिखा दे रहा हूँ, ये पूरा पेरीफेरी पे रहता है, ठीक है। तो आई होप इट इज ऑल क्लियर, ठीक। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया है, इसके आधार पे भी बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन बाय द वे अगर हिट कर गया तो ठीक है, नहीं तो आपके नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया आते हैं, थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा वो मेनली आपको एसेक्सुअल भी देख सकते हो और सेक्सुअल भी देख सकते हो। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बैक्टीरिया यहाँ डिवाइड कर रहा है, कौन सा प्रोसेस है गाइस, जल्दी से नाम बताओ इसका। तो यहाँ एनसीईआरटी में ये प्रोसेस कौन सा है, ये बाइनरी फ्यूजन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज बाइनरी फ्यूजन। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन इसी से होता है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन से। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा समझते हैं इसको ब्रॉडली क्लासीफाई किस में कर सकते हैं। तो एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल, एक हो गया सेक्सुअल और एक हो गया एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में जो आपको प्रोसेस देखने मिलेगा यहाँ, जनरली बर्डिंग से देखने सकते हो, कौन कौन से प्रोसेस से बैक्टीरिया डिवाइड करेगा एसेक्सुअली, तो बर्डिंग से हो सकता है, बाइनरी फ्यूजन से हो सकता है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन से हो सकता है, ओके, है ना। एंडोस्पोर भी होता है, किसका, एंडोस्पोर, थोड़ा इस पर हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन लेटर ऑन अगर जरूरत पड़ा तो, है ना। ऐसे एज सच इस पर क्वेश्चन आता नहीं है। कॉनिडिया से भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, जू स्पोर से भी कर सकता है एसेक्सुअली। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। अब आ जाते हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअली जो इसमें तीन प्रोसेस बहुत ही फेमस है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, दूसरा ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, और तीसरा है कंजुगेशन। कंजुगेशन में ही आपको सेक्स पिलाई का रोल होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक। पूरे फुल डिटेल में नहीं जा करके ओवर हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। तो सेक्सुअल मॉडल ऑफ टाइप ऑफ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ठीक है। एसेक्सुअल में क्या होगा गाइज, एसेक्सुअल में बर्डिंग, बाइनरी प्रोसेस या बाइनरी फ्यूजन सबसे मोस्ट कॉमन है। एनसीईआरटी भी यहाँ इसको इसी को डिपिक्ट कर रहा है। एंडोस्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर, ये सबसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में रेस्पिरेशन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो देखने मिलेगा आपको जनरली क्या होगा, या तो एरोबिक होगा या एनएरोबिक होगा, यही ना, या तो उसे ऑक्सीजन की जरूरत होगी, यानी कि वो एरोबिकली वो रेस्पायर करना चाहेगा या एनएरोबिकली रेस्पायर करना चाहेगा। तो अगर एरोबिक होगा तो एरोबिक में भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्या होता है, पहला ऑब्लिगेट एनएरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स, है ना, यानी कि केवल और केवल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो जीवित हो पाएगा। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, है ना, स्ट्रिक्टली एरोब्स है, यानी कि इसको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब चाहिए, या फिर हो सकता है फैकल्टेटिव एनएरोब्स, है ना, मतलब कि अगर नहीं मिलेगा तो वो एनएरोबिक मोड में चला जाएगा। तो फैकल्टेटिव एनएरोब्स इसी में आएगा, फैकल्टेटिव है यानी कि कभी कभी बाई चांस अगर नहीं मिला तो ये एनएरोबिक भी करने के वो रेडी है, ठीक है। अलग तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे भी होगा ये दो टाइप, एक तो ऑब्लिगेट एनएरोब्स मतलब ऑक्सीजन दोगे तो ऐसा है कि बिल्कुल मर ही जाएगा, इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपको मिल सकता है फैकल्टेटिव, मतलब अगर नहीं मिला तो ये चला जाएगा, ऑक्सीजन अगर मिल भी गया तो ये एरोबिक करा
सकता है, ठीक है, फैकल्टेटिव एरोबिक भी इसी में आएगा। तो ये आपको ओवरव्यू था, एग्जांपल याद रख सकते हो, कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी चाहिए। एक याद रख लो, ऑब्लिगेट एनारोब्स का क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी अगर पूछ दिया तो याद रख लेना, क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम, ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसे बैक्टीरिया हैं ये जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बिल्कुल रहना पसंद नहीं है, ठीक है, विचित्र हो गया ये, तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक रेस्पिरेशन? ये मैंने पार्ट बाय पार्ट आपको इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ बिकॉज यहाँ थोड़ा इस तरह से अप्रोच लेके पढ़ना इजियर, राइट। तो न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। न्यूट्रिशन मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ब्रॉडली, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, होता है हेटरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिल सकता है ना, और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिल सकता है, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फिर मैंने आपको बोला दो टाइप का हो सकता है, फोटो हो सकता है या फिर कीमो हो सकता है। एक ही चीज़ में बार बार आपको समझा रहा हूँ, आपको रिवाइज भी हो रहा है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक, कीमो ऑटोट्रॉपिक हो सकता है ना। हेट्रो में भी आपका है पैरासाइटिक हो सकता है, सेप्रोफाइटिक हो सकता है, सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफाइटिक लिख सकते हो, सेप्रोट्रॉपिक। चलो इसके बाद और क्या हो सकता है, सिम्बायोंट फॉर्म भी देखने मिल जाएगा, सिम्बायोंट फॉर्म। जैसे कि सिम्बायोंट फॉर्म में आप एग्जाम्पल दे दो राइजोबियम का, है ना, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करेगा। तो यहाँ राइजोबियम एग्जांपल आ गया, ठीक, ये पढ़ना भी है राइजोबियम का एग्जांपल्स। तो ये अभी हम लोग एग्जांपल्स पे ऐसे नहीं जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कीमो में चले जाएंगे तो सल्फर टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है, आयरन बैक्टीरिया होता है, यहाँ बैक्टीरियो क्लोरोफिल होना जरूरी है, ठीक है। जैसे इसका जो क्लोरोफिल होगा जरूरत होगा ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो कहीं ना कहीं तो लाइट को रिसीव करने वाला होना चाहिए, यहाँ बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। यहाँ सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि कीमो है तो कीमो तो केमिकल्स यूज करने वाला होगा, तो सल्फर बैक्टीरिया होता है, आयरन बैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो उस पर हम लोग फुल डिटेल पे नहीं जाएंगे, ओवरव्यू आपको जानना है कि न्यूट्रिशन जो है कैसा हो सकता है बैक्टीरिया में। तो न्यूट्रिशन काफी डाइवर्स है, काफी वाइड रेंज में है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, अब आता है एक अलग सा इसमें कंटेंट है, माइकोप्लाज्मा। क्यों माइकोप्लाज्मा को हम लोग इसको अलग से कंटेंट में डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज एनसीईआरटी में भी दे रखा है माइकोप्लाज्मा के बारे में। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करो तो माइकोप्लाज्मा आपको मिल जाएगा, एक दो लाइन उसके बारे में। तो यहाँ पे भी हम लोग माइकोप्लाज्मा को थोड़ा समझ लें। माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाई नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसको डिस्कवर किया था, इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, ठीक है। ये कहाँ से आइसोलेट हुआ था? तो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम बोवाइन, मतलब कैटल, है ना, कैटल जो है एक गाय वो बीमार थी, वहाँ से इसे आइसोलेट किया गया था, आइसोलेटेड फ्रॉम बोवाइन। इसको PPLO ही बोलते हैं। PPLO क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है निमोनिया टाइप, ठीक है। तो ये प्लूरो निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म याद रख लो, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। और क्या चीज इसका नाम है, और किस चीज से जानते हैं? एक पिक्यूलियर चीज का याद रखना, जिसमें सेलवाल नहीं होता, दिस इज विदाउट सेलवाल, विदाउट सेलवाल। अगर सेलवाल नहीं है तो अपने शेप को ये क्या कर सकता है, शेप इसका जो है बहुत वेरी करता है, ठीक है। इसका शेप क्या होता है, बहुत हद तक वेरी होता है, और कुछ भी अपना शेप ये ला सकता है, इसीलिए इसको जोकर हम लोग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का ये जोकर है, क्योंकि इसका शेप कुछ फिक्स नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग जोकर ऑफ, यानी कि ये देखने में बिल्कुल जोकर जैसा अलग अलग शेप बदलता रहता है, तो दिस इज जोकर ऑफ दी माइक्रोबायोलॉजी। होता कैसा नेचर का है, ये ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो नॉन मोटाइल होता है, इसमें कोई एज सच फ्लैजिला ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन मोटाइल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अभी तक जो नोन है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यही है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में जानना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो कॉल्ड PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इट इज जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये जोकर के तरीके से क्यों है, क्योंकि इसमें सेलवाल नहीं है, तो सेलवाल नहीं है तो अपना ये शेप वेरी कर सकता है, ठीक। ग्राम नेगेटिव है, नॉन मोटाइल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसका साइज कब से काफी छोटा होता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया पे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक, ओके। आर्की बैक्टीरिया से पहले एक टॉपिक और है, उसको पहले थोड़ा समझ लें।
आपको मैंने बोला कि एज सच देर आर सम बैक्टीरियल डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे डिजीजेज होते हैं जो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो ये प्लांट में भी बैक्टीरिया कॉज करता है डिजीजेज, है ना, और एनिमल में भी बैक्टीरिया कॉज करेगा डिजीजेज, प्लांट में कॉज करेगा, एनिमल में कॉज करेगा। तो प्लांट में कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, बहुत सारे हैं लेकिन उतना डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, रिंग रॉट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर, कैंकर ऑफ टोमेटो, टोमेटो का जो कैंकर होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके वजह से ही ना फेमाइन आया था, बैक्टीरियल ब्लाइट याद करो, ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, ठीक है, इसी के वजह से फेमाइन आया था, जो अकाल आया था, ठीक है। ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है बैक्टीरियल डिजीजेज है प्लांट का। एनिमल में हम लोग आ जाएं तो एनिमल में भी बहुत सारे डिजीजेज हैं, टाइफाइड, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है, साल्मोनेला टैफी, है ना, कॉलेरा, कॉलेरा, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलेरी, कॉमा सेव्ड होता है, देखो विब्रियो नाम आ गया, विब्रियो कॉलेरी, है ना। टाइफाइड मैंने आपको बोला, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, तो ये सारे डिफरेंट डिजीजेज हैं जो कि एनिमल में कॉज होता है, जैसे टिटनस भी है, टिटनस का भी जो बीमारी है वो बैक्टीरियल बीमारी है, है ना, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटनी, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हैं जो कि बैक्टीरियल में है, आपको एनिमल में देखेंगे, और कोई एनिमल के अलावा प्लांट में भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब ऑटोट्रॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक नहीं सॉरी, आर्की बैक्टीरिया, तो आर्की बैक्टीरिया में एनसीईआरटी में काम का चीज क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में काम का चीज क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में आर्की बैक्टीरिया को बोला गया ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फोजेस, पुराना, सबसे पुराना इसको बोला गया, ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फोजेस, ठीक है, है ना। दे आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ द कैटल, तो कहाँ कहाँ इसका तीन ग्रुप है, थ्री मेन ग्रुप, आर्की बैक्टीरिया का हम लोग देखेंगे कि थ्री मेन ग्रुप्स है, तीन मेन ग्रुप्स इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। पहला है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस का नाम समझ में आ रहा है कि मीथेन प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करेगा, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द स्टमक ऑफ कैटल, स्टमक ऑफ कैटल, मार्सी एरिया में भी रह सकता है, है ना, मार्सी एरिया में रहेगा, स्टमक ऑफ कैटल में रहेगा, मार्सी एरिया में रहेगा, क्यों रहेगा ये सब, क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद एक टाइप हो गया हेलोफिल्स, हेलो, हेलो का मतलब क्या होता है, दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सॉल्ट लवर है ये, ठीक है, हेलोफिल, हेलो का मतलब हो गया सॉल्ट, और फिल का मतलब आपको पता है लवर, तो सॉल्ट लवर बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि लगभग 35% तक के NaCl भी सॉल्यूशन अगर है ना, NaCl सॉल्यूशन, तो वहां भी ये रहने को तैयार है। थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया कौन सा है आपको, मिथेनोजेंस हेलोफिल्स हो गया, और उसके बाद हो गया थर्मो एसिडोफिल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मो का मतलब हो गया हीट और एसिडो का मतलब हो गया एसिड, तो इसको हाई टेम्परेचर और एसिड का लो पीएच बहुत पसंद है, तो थर्मो एसिडोफिल्स को हाई टेम्परेचर में भी रख दो, हाई टेम्परेचर में भी रख दो, रहने के रेडी है। हाई टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर आप समझ रहे हो, दैट इज हॉट सल्फर टाइप ऑफ टेम्परेचर, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स वगैरह में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है, एसिड एरिया में भी ये मिल जाएगा, तो थर्मो एसिडोफिल्स, यही तीन कैटेगरी एनसीईआरटी ने आपको यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया के अंदर डिस्कस करने को कहा है, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया था यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में ये डायग्राम आपने देखा होगा एनसीईआरटी में दे रखा है ना, ये डायग्राम आपका नॉस्टॉक का है, नॉस्टॉक का ये डायग्राम है, और नॉस्टॉक में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है हेटरोसिस्ट, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशिंग जो सेल है उसका नाम क्या है, हेटरोसिस्ट, और ये कवर्ड होता है म्यूसिलाजिनस सीथ से, डेट इज कवर्ड बाय म्यूसिलाजिनस सीथ, ठीक है। इसी के अंदर आपको साइनोबैक्टीरिया भी आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, तो BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी इसी के अंदर कैटेगरी में आएगा, है ना, क्यों इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए देखने मिलता है, इट हैज क्लोरोफिल ए पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट है इसमें, क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, ठीक है। इसके अंदर नॉस्टॉक आपको देखा दिया मैंने, आप फिगर में नॉस्टॉक ही है, एनाबेना भी इसके अंदर एग्जांपल हो गया, एनाबेना, ठीक है, और स्पायरुलिना भी इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा, स्पायरुलिना, ऑसिलोटेरिया भी आ जाएगा, ऑसिलोटेरिया, ठीक है, ऑसिलोटेरिया, इसको याद रख लीजिएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिए, एनसीईआरटी में दे रखें,
उसके बाद हेट्रोसिस्ट के बारे में मैंने आपको बताया। हेट्रोसिस्ट जो स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये जो है जेलेटिनियस शीथ जो आप देख रहे हो, मिसेलेजिनस शीथ, ये इंपॉर्टेंट है, जेलेटिनियस या मिसेलेजिनस शीथ बोल सकते हो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पाते यहाँ से आपको यू बैक्टीरिया का, ठीक है, मिसेलेजिनस शीथ डन। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट मोनेरा। मोनेरा के अलावा, इसके अलावा और कुछ मोनेरा में जानने को समझने को नहीं है, मोनेरा इज अप टू दिस ओनली, दिस इज ऑल अबाउट मोनेरा। सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लें इसका डिफरेंस बिटवीन। अभी अभी हम लोगों ने सब डिटेल पढ़ा है ये, तो आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया के बीच का डिफरेंस बिटवीन, आपको मैंने ये बोला सिंपल है या ओल्डेस्ट बोल सकते हो, है ना, और ये आपको बोला मैंने कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स टाइप का था। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में देखा आपने कि ये बहुत हद तक एकदम से जटिल इन्वायरमेंट में, हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में भी मिल रहा था, ठीक है, और ये एवरीवेयर हर जगह आपको देखने मिल जाएगा। इसी तरह से सेलवाल इसका देखें तो ये सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, सेलवाल में डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, सीडोपेप्टिडोग्लाइकेन का है ये, और ये पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरामिक एसिड का बना होगा इसका सेलवाल। इसका जो मेम्ब्रेन लिपिड होगा वो ईथर से लिंक्ड होता है आपस में, इसका एस्टर से लिंक्ड होता है, उतना ध्यान नहीं देना इस पॉइंट पे भी, लेकिन एज सच डिफरेंस कर रहे हैं तो थोड़ा समझ ले रहे हैं। इंट्रॉन्स जो होता है नॉन कोडिंग टाइप ऑफ डीएनए, वो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, यहाँ एब्सेंट होता है, ठीक। नॉन इन्फेक्शियस ये एज सच कोई आपको डिजीज कॉज नहीं करता तो अच्छी बात है ना, लेकिन ये आपको कुछ इन्फेक्शियस था, आपको पीछे पढ़ाया भी था, जैसे टाइफाइड काउज किया था, साल्मोनेला बैक्टीरिया है ना, उसके बाद टीटनस था, कोलेरा था, इस तरह के चीज़ों को ये इन्फेक्शियस में अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डन, क्लियर है सबको। नेक्स्ट वी विल बी जंपिंग इन टू दी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आपको जो है टोटली 5 सब ग्रुप्स यहाँ पे एनसीईआरटी ने दे रखा है, 5 सब ग्रुप्स एनसीईआरटी ने दे रखा है, जो कि मैंने यहाँ पाई चार्ट के फॉर्म में इलस्ट्रेट कर रखा है। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, फिर डीनोफ्लैजिलेट्स, फिर यूग्लिनोइड्स, फिर स्लाइम मोल्ड्स, फिर प्रोटोजोअन्स। इसको याद रखने के लिए CDESP एक निमोनिक मैंने तैयार कर लिया, यानी क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स। तो ये हम लोग डिटेल में पूरा एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ओके। तो ये हमारा प्रोटिस्टा का शुरुआत है। सो लेट्स मूव इनटू द प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम जो है वो कौन दिया था, यू नो दैट इज, सबसे पहले प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में चर्चा कौन किया, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाई अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल साहब ने इसे लाया था, अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल साहब ने इसे लाया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गया था तब तक, है ना। प्रोटिस्टा जितने भी इसमें सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, आपको चार्ट याद होगा, तो यूनिसेलुलर इसमें होते हैं प्रोटिस्टा में, और कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक का कहानी खत्म हो चुका है, ठीक है। मोनेरा तक ही आपको प्रोकैरियोटिक, एक सिंगल ही ऐसा एक और आपको किंगडम था जो प्रोकैरियोटिक था, वो मोनेरा था। अब हम लोग जितने भी पढ़ने वाले हैं वो सब के सब यूकैरियोटिक है। ये आपने याद करो एक ट्री जो मैंने बनाया था, तो ट्री में आपको याद करो ये कनेक्टिंग लिंक था, क्योंकि इसी के आगे और पीछे से सारे किंगडम निकल रहे थे, तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अदर किंगडम्स, है ना, बाकी और किंगडम्स के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक बन के तैयार हुआ था, ठीक। कनेक्टिंग लिंक वाला पॉइंट भी याद रख लो, ठीक है। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में हम लोग और क्या बात कर सकते हैं, ओके, यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, डाइवर्स फॉर्म रहेगा यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्स फॉर्म टाइप, ठीक, डाइवर्स फॉर्म टाइप। एक चीज़ और बता दूं, इसका न्यूट्रिशन जो है कैसा होगा, इसका न्यूट्रिशन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इसमें जो है ऑटोट्रॉपिक भी देखने मिल सकता है, हेटरोट्रॉपिक भी देखने मिल सकता है, ठीक, ये हम लोग ऐसा जिसमें कुछ फिक्स नहीं है, सॉरी। इसका सबसे पहला बात आता है क्राइसोफाइट्स का, तो क्राइसोफाइट्स के बारे में एनसीईआरटी ने डाइनोफ्ले इसमें जो है डाई एटम्स और डेस्मिड्स का बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस इसमें बताया है, तो इसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया है, इंक्लूडेड इंक्लूड्स डेस्मिड्स एंड डाई एटम्स, इसमें दो कैटेगरी आएगा, डेस्मिड्स का और डाई एटम्स का, ठीक है। और क्राइसोफाइट्स जो होता है ना वो प्लैंकटन है, प्लैंकटन का मतलब क्या होता है कि ये जो है पैसिवली फ्लो करता है वाटर में,
पैसिवली फ्लो इन वाटर, एक प्लैंकटन, ठीक है, वाटर में जो है पानी के बहाव के साथ ही बहता चला जाएगा, वाटर के फ्लो के साथ बहता चला जाएगा, पैसिवली फ्लो करता है प्लैंकटन, जैसे कि जू प्लैंकटन बोलते हो, है ना, यही चीज है। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं इसमें जो डायएटम्स और डेसमिट्स है। तो क्वेश्चन थोड़ा डेसमिट से नहीं आता लेकिन डायएटम्स से ज्यादा आता है। तो डायएटम्स नाम दिख रहा है आपको, डायएटम्स मतलब इसके ऊपर जो है ना दो ऐसे कवरिंग होते हैं, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, साबुन रखने वाला जो बॉक्स होता है उसके ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ढक्कन की तरह एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाता है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लें कि दिस इज लाइक ए सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये इसका जो सेल वाल है, सेल वाल इज चीफली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का इसका सेल वाल होता है, सेलुलोज सेल वाल, लेकिन उसमें इम्प्रिगेटेड होता है, इम्प्रिगनेटेड मतलब उसमें आपको और क्या मिलेगा, सिलिका लाइक स्ट्रक्चर ही मिल सकता है। तो ये याद रखना इसमें सिलिका लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। अगर बहुत लंबे टाइम तक ये जो है लार्ज सेडिमेंट अगर इसका बन जाएगा ना, पानी में रह जाएगा और बहुत दिनों तक अगर ये रुक जा रहा है वहाँ पर जमा हो जा रहा है तो उसको डायएटमिसियस अर्थ बोलते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो है एरिया उसमें ढक गया। तो डायएटमिसियस अर्थ का भी ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, तो डायएटमिसियस अर्थ। तो इसका यहाँ पे रोल क्या है, डायएटमिसियस हेल्प क्यों यहाँ पे इसका डायएटमिसियस हेल्प जो सॉइल है उसका रोल क्या है, डायएटमिसियस सॉइल जो है उसका आपको इम्पोर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंस यहाँ पे याद रख लो, ये यूज होता है फॉर फिल्टरेशन, है ना, इट इज़ यूज फॉर पॉलिशिंग, है ना, इट एक्चुअली हेल्पफुल इन दी फिल्ट्रेशन एंड सिरप ऑयल फैक्ट्रीज, राइट। तो इस तरह से इसके चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखना होगा। इसका जो रिजर्व फूड होता है वो थोड़ा याद रख लो, रिजर्व फूड एनसीईआरटी ने नहीं दिया है लेकिन मैं बता रहा हूँ, रिजर्व फूड इसका होता है ल्यूकोसिन, रिजर्व फूड क्या होता है इसका, ल्यूकोसिन, ठीक है। और इसका जो मल्टीप्लीकेशन रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फ्यूजन से होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसका, बाइनरी फ्यूजन, और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है सच, ठीक। इतना बात आपको अगर याद है दैट्स ऑल, क्लियर है, क्राइसोफाइट्स डन, डायटम्स क्लियर। आगे मूव कर जाए डिनोफ्लैजिलेट्स में, डिनोफ्लैजिलेट्स इट इज गिवन योर एनसीईआरटी एज वेल, ये फिगर आप देख पा रहे हो, डिनोफ्लैजिलेट्स का ये फिगर आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। तो डिनो मतलब डाई और फ्लैजिला मतलब दो फ्लैजिला होंगे, ये बात आपको नाम से समझ में आ रहा है, तो टू फ्लैजिला होगा। और कैसे लाई करेगा, तो परपेंडिकुलरली, एक तो फ्लैजिला आपका जो होगा वो क्या होगा, द वन विल बी परपेंडिकुलर टू इच अदर, राइट। एक आपका होगा ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक होगा आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। तो दो फ्लैजिला होते हैं, एक बार फिगर में आपको दिखला देता हूँ, फिगर बना करके दिखलाता हूँ, जैसे रफ फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये आप मान लो फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला यहाँ से हुआ निकला और एक फ्लैजिला यहाँ से, तो ये हम लोग का हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, ये हो गया ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक। ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है। तो फ्लैजिला दो होंगे इसमें, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, डन। इसके अलावा क्या हम लोग जान सकते हैं, इसमें जो है डिनोफ्लैजिलेट्स के सेलवाल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड नंबर ऑफ प्लेट्स उसमें होता है, सेलवाल हैज नंबर ऑफ प्लेट्स, इसका सेलवाल जो होता है ना वो उसमें बहुत सारे प्लेट्स होते हैं, ठीक है, इट हैज नंबर ऑफ प्लेट्स, ये याद रख लो थोड़ा। और भी इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो है मोस्टली ये मैरीन होता है, मोस्टली क्या होता है ये मैरीन, मतलब कि ये ओशियन वाटर सी वाटर में प्रेजेंट होगा, ठीक, इम्पॉर्टेंट बात। उसमें याद रख लो कि ये फ्लैजिलेटेड मोटाइल जो बता दिया आपको, फ्लैजिलेटेड होगा ये मोटाइल होगा ये बता दिया है, क्योंकि फ्लैजिला अगर है तो ये मूव तो खुद ब खुद कर ही सकता है ना, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल हो गया। और इसमें कुछ ऐसे याद रखने की चीज़ें नहीं है, लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रख लो, रेड डिनोफ्लैजिलेट्स ये एग्जाम्पल में आ सकता है, रेड डिनोफ्लैजिलेट्स एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। गोनियोलेक्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स रेड डिनोफ्लैजिलेट होता है जो कि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, एंड सी क्या होता है जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है ना वो पूरा का पूरा समुद्र एकदम लाल कलर का दिखाई पड़ता है, दैट सी अपीयर्स टू बी रेड, दैट सी अपीयर्स टू बी रेड, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रेड डिनोफ्लैजिलेट्स का हो गया। इसका एग्जाम्पल याद रख लो, जैसे एक तो एग्जाम्पल हो गया गोनियोलेक्स का,
और एग्जांपल अगर याद रखना है तो सेराटियम इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। नॉटिल्यूका भी, नॉक्टिल्यूका है ना, ये चमकता है, बायोलुमिनेंसी प्रॉपर्टी होता है इसमें, याद रखना बायोलुमिनेंसी, यानी कि ऐसा लुमिनेंसी मतलब जो कि खुद का लाइट होगा उसका, है ना। सन के अलावा कोई भी ऐसा चीज लिविंग बॉडी जो अपना लाइट दे रहा हो उसको बायोलुमिनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो नॉक्टिल्यूका में बायोलुमिनेंसी देखने मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मूव करते हैं। डेनोफ्लैजेलेट्स कंप्लीट है। ओके, तो सी और डी हो गया, यानी क्राइसोफाइट्स, डेनोफ्लैजेलेट्स हो गया। अब अगला हो गया यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड में आपको ये फिगर देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में, यूग्लिना का ये फिगर है। यूग्लिनोइड्स जो होता है नॉन मोटाइल होता है, क्या होता है ये, नॉन मोटाइल होता है ना। यूनिसेलुलर हो गया ये, यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट जो है उसका ये क्या है, रिलेटिव है, इट इज रिलेटिव ऑफ द यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट प्रोटिस्ट, ठीक है। ओके, अब यहां पे हम लोग थोड़ा देख लें कि जो प्रोटिस्ट है उसमें सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं था, है ना। वो प्रोटिस्ट है, जो प्रोटिस्ट जिसमें सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होगा उसको हम लोग बोलेंगे, इसमें पेलिकल का प्रेजेंट होगा, याद रखिएगा पेलिकल सेल वॉल होता है, यानी ये पेलिकल का मतलब हो गया फ्लेक्सिबल सेल वॉल, फ्लेक्सिबल सेल वॉल, सेल वॉल नहीं बोल सकते आप, डायरेक्ट सेल वॉल नहीं बोल करके हम लोगों ने इसको टर्म दे दिया पेलिकल। तो ये पेलिकल किसका बना होता है, ये पेलिकल बना होता है फाइब्रस इलास्टिन का। This pellicle is formed of fibrous elastin. ठीक है, ये pellicle का बना हो गया। और इसके flagella जो है, flagella यहाँ देखने को मिलेगा, flagella आप देख रहे हो, it is there, flagella is present, है ना। flagella figure में आपको दिखाई पड़ रही है, देखो flagella है ना, move करके, okay। और इसका जो nutrition है वो थोड़ा important है, कि nutrition जो है इसका दोनों आपको देखने मिलेगा, photo autotrophic भी है as well as फोटो ऑटोट्रॉपिक भी है और क्या है, हेट्रो ऑटोट्रॉपिक भी, इसीलिए यूज होता है इसके लिए मिक्सोट्रॉपिक, क्योंकि जब सनलाइट प्रेजेंट होगा तो ये फोटो ऑटोट्रॉपिक में चला जाएगा, जब एब्सेंट होगा तो ये किस में चला जाएगा, हेट्रोट्रॉपिक में चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका स्टोर्ड फूड जो होता है, स्टोर्ड फूड कौन सा होता है, क्या ये सेलुलोज स्टोर करता है, नहीं, ये स्टोर करता है पैरामाइलॉन, पैरामाइलॉन वर्ड है, है ना, एक टाइप ऑफ क्या है, एक टाइप ऑफ स्टोर्ड फूड है पैरामाइलॉन, ये पैरामाइलॉन बॉडीज होता है इसके अंदर, वो वहां पे प्रेजेंट होता है। यूग्लिनोइड्स के बारे में एक और चीज कहा जाता है, दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों बोला जाएगा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, बोलो क्यों बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हो ना, किसके पास फोटोसिंथेसिस भी है और हेटरोट्रॉपिक भी है, सेल वॉल भी है, है ना। तो एक टाइप से क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है, हेटरोट्रॉपिक कर रहा है, यानी ये प्लांट और एनिमल से दोनों के प्रॉपर्टीज को मिलता जुलता है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज, ओके, व्हाई वी कॉल इट एज कनेक्टिंग लिंक। ओके, अब फ्लैजिला जो आपको यहाँ पे रह गया था, कि दो फ्लैजिला ये लिख लो, दो फ्लैजिला, टू फ्लैजिला आर देयर, ठीक है, एक बड़ा होता है वन लॉन्ग एंड अदर इज शॉर्ट, वन एंड अदर, एक और होता है, एक और होता है वो शॉर्ट होता है, अदर इज शॉर्ट, एक बड़ा है फ्लैजिला और एक छोटा फ्लैजिला, देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपको यूग्लिना के बारे में इतना बात समझ में आ गया। तो सी डी और ई हो गया, अब हमारे पास स्लाइम मोल्ड बच गया, अगला है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है इंपॉर्टेंट बात। तो स्लाइम मोल्ड जो है इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोमाइटिस, मिक्सोमाइसिटिस। अर्लियर इसको हम लोग जो है ना, पहले के टाइम में इसको हम लोग फंजाई ग्रुप में रखे थे, अर्लियर प्लेस्ड इन फंजाई किंगडम, लेकिन ये फिर आकर के यहाँ पे इसलिए सूट कर गया क्योंकि ये आपको यूकैरियोटिक था और यूनिसेलुलर था, इसीलिए यहीं पे आके चला गया, इसलिए इसको मिक्सोमाइसिटिस। जब हम लोग फंजाई पढ़ेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि फाइकोमाइसिटिस है ना, एस्कोमाइसिटिस, उसके बीच में ये रखा गया था मिक्सोमाइसिटिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्पोर पोजेस करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पोर पोजेज टू सेल वॉल, इसमें अपना अपना सेल वॉल तो नहीं होता किसी में, लेकिन इनके जो स्पोर्स होते हैं ना उनमें सेल वॉल होता है, ठीक है, स्पोर्स पोजेज टू सेल वॉल। अच्छा, एक दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ रखना, एक होता है फेवरेबल कंडीशन इसके लिए,
कंडीशन अगर फेवरेबल रहेगा तो ये क्या करेगा, और एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब क्या होगा, तो अगर कंडीशन आपका जो है फेवरेबल है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो ये क्या होगा, एग्रीगेशन बनाएगा, आपस में एग्रीगेट हो जाएगा और प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, खुश हो गया क्योंकि ये क्या है, इसको मिला कंडीशन फेवरेबल, तो ये आगे बढ़ा और प्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर बना लिया जो कि ग्रो होगा, स्प्रेड होगा, सेवरल फीट तक जाएगा, है ना, क्योंकि ये ग्रो कर सकता है, अभी फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन अगर है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, यू कैन सो, अपने आप बता सकते हो, ये बचना चाहेगा, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा, और फ्रूटिंग बॉडीज यानी कि स्पोर्स बना लेगा। ठीक है, स्पोर्स उसके एंड पे बना लेगा, और स्पोर्स जो है तब तक अपने आप को रोक के रखेगा, अपने आप को न्यूट्रिशन वहाँ पे अंदर बचा के रखेगा। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है, याद रखिएगा, स्पोर्स जो होता है ना वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, उसको बहुत तेज जो है विंड हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन, हार्स कंडीशन लाइक टेम्परेचर हाई दीजिए, है ना, इस तरह से चीज़ों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द स्पोर। और इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, जटिल है कंडीशन, तो उस तरह से स्पोर्स को ये बना करके वहाँ पे ग्रो करेगा, फर्दर ग्रो करेगा जब भी ये फेवरेबल कंडीशन को मिलेगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट, दैट इज प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटोजोअन में हम लोग बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो यूनिसेलुलर है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोटिस्टा ही यूनिसेलुलर था, और यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोटोजोअन बोला जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है। क्यों हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, क्योंकि ये एनिमल के साथ काफी हद तक एसोसिएटेड है, इसलिए प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल हो गया। ये फोर कैटेगरीज इसके अंदर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चार कैटेगरीज है प्रोटोजोअन्स का। ठीक है, ब्रॉडली इसको चार कैटेगरी में एनसीईआरटी ने क्लासिफाई किया है, देखते हैं कौन कौन से कैटेगरीज हैं। एनसीईआरटी ने इसको क्लासिफाई जो किया है वो फोर कैटेगरीज में किया। सबसे पहला है अमीबॉइड, सबसे पहला है अमीबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। ठीक, सब बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, किस आधार पे ये मूवमेंट करते हैं उसके आधार पे। सिलिएटेड मतलब सिलिया से मूवमेंट करेगा, फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजिला से, अमीबा मतलब अमीबॉइड मूवमेंट होगा, है ना, और स्पोरोजोअन, स्पोरोजोअन का मतलब स्पोर लाइक स्ट्रक्चर है ना, स्पोरोजोअन टाइप ऑफ। तो अमीबा में नाम से समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल हो गया अमीबा, एंट अमीबा, अमीबा एंट अमीबा। फ्लैजिला में एग्जाम्पल हो गया ट्रिपनोजोमा, ट्रिपनोजोमा। सिलिएटेड में फेमस एग्जाम्पल देख ही रहे हो फिगर आप लोग, पैरामीशियम, फिगर में ही दिख रहा है, सिलिया भी है। स्पोरोजोअन में एग्जाम्पल हो गया आपका प्लाज्मोडियम का, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, है ना, चार तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं, उतने डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये आपको समझने वाली बात है, इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीबा, अमीबॉइड। ठीक है, ओके, क्लियर है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि अमीबा के बारे में जान लो, इसका जो है कभी कभी क्वेश्चन आता है सिलिका इसमें होता है प्रेजेंट, सिलिका सेल है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा ये पॉइंट। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड में याद रखना ट्रिपनोजोमा जो होता है ना वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। और स्लीपिंग सिकनेस जो कॉज करता है तो उसका क्या है, ट्रांसमिट करने वाला वैक्टर कौन है, तो वैक्टर कौन है, ये सेसी फ्लाई, सेसी फ्लाई इसका वैक्टर होता है, सेसी फ्लाई। ठीक है, टी साइलेंट या सेसी फ्लाई याद रख लो। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में याद रखो कि पैरामीशियम में आपका डिफरेंटली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की वजह से ये क्या कर सकता है, मरीन में रह सकता है। साथ में इसके गलेट होते हैं, जो पॉचेज यहाँ देख रहे हैं, ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर और गलेट है। ठीक है, और इसमें क्या मिल सकता है आपको, इसमें आपको जनरली देखो यहाँ पर दो आपको न्यूक्लियस भी मिल जाएगा। ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उसके बाद आ जाते हैं प्लाज्मोडियम में, तो बड़ा ही फेमस चीज़ है ये प्लाज्मोडियम। मैंने आपको बताया ये चार तरीके का होता है, फोर टाइप्स बेसिकली होता है इसका, मलेरिया ये कॉज करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वीवैक्स याद रख लो, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये चार तरह के प्लाज्मोडियम होते हैं। ठीक है, इट इज कॉजिंग मलेरिया। तो अप टू दिस वी हैव कम्प्लीटेड प्रोटोजोअन, एंड प्रोटोजोअन कम्प्लीट कर लिया हमने, दैट इज मीन्स हमने प्रोटिस्टा कम्प्लीट कर लिया। तो ओवरऑल हमने जो है दो किंगडम कम्प्लीट कर लिया है, एक मोनेरा और एक प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्टा हमारा यहाँ के कम्प्लीट हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट वी विल बी डूइंग फंजाई, राइट, वी विल बी डूइंग फंजाई।
सो लेट्स टेक अ ब्रेक. ओके सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज फंजाई जिसपे हम लोग बात करेंगे अभी. पूरा डिटेल डिस्कशन फंजाई पे हमारा होगा. अब ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दैट इज मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. फंजाई के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइज. दैट इज आपको ये पता है दैट वॉज डिस्कवर्ड बाई, ये किंगडम किसने लाया था, ये किंगडम किसने लाया था, तो हम लोग बोलेंगे आर एच विटेकर ने लेकर आया था. आर एच विटेकर हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस किंगडम. आर एच विटेकर हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस किंगडम. है ना, ये किंगडम किसने इंट्रोड्यूस किया, आर एच विटेकर ने. अच्छा, इस किंगडम के बारे में बात कर लें, क्या ये यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर, तो बोलेंगे मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलता है. एक लाइन आपको मैंने खुद याद कराने के लिए बोला था, लूज टिश्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलेगा इसमें. ठीक है, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बात ये भी याद इंपॉर्टेंट होगा आपको कि यूकैरियोट्स है ये. ठीक है, और इसका जो सेलवाल होता है वो कैसा होता है, किस चीज़ का बना होता है, काइटिन का. अब तक मैंने 3-4 बार ये बता चुका है. ठीक है, उसके बाद और इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि न्यूट्रिशन कैसा होता है इसमें. तो न्यूट्रिशन आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ, अपना भोजन ये खुद नहीं बनाने वाला. ठीक है, तो ये हेटरोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता. और हेटरोट्रॉपिक में प्रिफरेबली कौन सा, सेप्रोट्रॉपिक, क्योंकि ये सड़े गले चीज़ों पर अपना भोजन तैयार करके बना करके उसी को फीड करता है. ठीक है, तो ये सेप्रोट्रॉपिक बेसिकली आपको देखने मिल जाएगा. डिटेल डिस्कशन लेते हैं और आगे. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. तो फंजाई का स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाने जाएं तो ये देखो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, थोड़ा इसको इंक चेंज कर लेते हैं, ब्लू आपको मैं ले लेता हूँ, येलो. ओके, ये देखो मैंने आपको जो है कैप बनाया. सबसे पहले ये कैप होता है. ठीक है, आप थोड़ा डायग्राम को सीरियसली नहीं लेना, हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अपने से बना लेना. ठीक, और ये जो है ये पूरा फैला हुआ रहता है, दैट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल माइसेलियम. ये पूरा ऐसे फैला हुआ है. ठीक है, स्ट्रक्चर जो है अंदर में हम नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो माइसेलियम होंगे. ये अपने मतलब आपको क्या कैप हो गया. यहाँ पे आपको ये सभी ऐसे ऐसे देखते हैं, ये सभी जो देखते हैं वो क्या है, ये सब ऐसे जो देख रहे हैं वो क्या है, गिल्स है. ये क्या है, गिल्स है. ठीक है, और ये क्या है, ये बच्चा क्या है, ये स्टॉल्क. ये क्या है, स्टॉल्क है. और ये नेटवर्क ऑफ, ये जो है एक ठो अगर बात करोगे तो ये हाइफी हो गया. और नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोला मैंने आपको, माइसेलियम. नेटवर्क ऑफ हाइफी को क्या बोल दिया, माइसेलियम. तो ये ओवरऑल व्यू है आपको दिखाया मैंने. अब ये जो माइसेलियम है इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखाता हूँ. तो ये जो है इसका न्यूक्लियस होता है बहुत सारा. ठीक है, अगर ये सेपरेटेड है, पहला तो समझ लो कि अगर सेपरेटेड नहीं है, अगर ये सेपरेटेड नहीं है, ठीक है, नॉन सेप्टेड है, तो हम लोग नॉन सेप्टेड को हम लोग बोलते हैं नॉन सेप्टेड, मतलब कि अलग अलग सेपरेटेड नहीं है. जैसे कि देख रहे हो ना, आपको मैं सेप्टेड बताता हूँ पहले, फिर समझ में आ जाएगा. ये देखो जैसे कि ये सेप्टेड बोलेंगे इसको, जब ये अलग अलग सेपरेट है, कंपार्टमेंट बना हुआ है, तो ये सेप्टेट हो गया. ठीक है, और नॉन सेप्टेट हो गया जिसमें कि आप देख रहे हो कंपार्टमेंट बनाया नहीं है मैंने, इसमें बीच में कंपार्टमेंट नहीं है, तो नॉन सेप्टेट को हम लोग सिनोसाइटिक बोलते हैं. सिनोसाइटिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं. ठीक है, सिनोसाइटिक टाइप ऑफ माइसेलियम ये वर्ड आएगा, इसलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ. और नॉन सेप्टेट सेप्टेट अगर है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन सिनोसाइटिक, मतलब जस्ट अपोजिट होता है, याद रखिएगा. ठीक है, नॉन वर्ड कब लगेगा, जब आपको ये सेप्टेट होगा, नॉन साइनोसाइटिक बोलेंगे. और जब नॉन सेप्टेट होगा, मतलब वहां नॉन जब लग गया, तो यहाँ सिनोसाइटिक बोल देंगे. ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया, डन. स्ट्रक्चर क्लियर है सबको. न्यूट्रिशन इन फंजाई, तो आपको ऑलरेडी मैंने बात कर लिया कि न्यूट्रिशन जो फंजाई का होता है वो फंजाई का न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉपिक. न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई कैसा होता है, हेटरोट्रॉपिक. तो ये कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहा है गाइज, हेटरोट्रॉपिक. ये तो मैंने आपको बता दिया था, बट एक चीज आप यहाँ ध्यान दो, हेटरोट्रॉपिक है तो कुछ तो जुगाड़ लगाएगा अपने खाने पीने का, बिल्कुल लगाता ही है. तो हेटरोट्रॉपिक है ना, तो ये किसी के साथ अपना थोड़ा ऐसे रिश्ता बनाता है. ठीक है, जैसे कि आपको दो रिश्ते देखने मिलेंगे, आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लाइकेन के साथ यानी एल्गी के साथ ये जब बनेगा ना, तो इसको लाइकेन हम लोग बोलते हैं. ठीक है, और जैसे कि क्या होता है कि हायर रूट्स के साथ, हायर प्लांट के जो रूट के साथ ये अपना एसोसिएशन शो करेगा, तो वहाँ पे जाके न्यूट्रिशन सक करता है, उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं. तो ऐसे दो तरीका है इसके पास जिससे ये फूड को ले सकता है. तो ये थोड़ा याद रखना इसमें, इसलिए मैंने अलग कॉलम बनाया न्यूट्रिशन इन फंजाई का, असल में यही रीज़न था. बाकी तो आपको ये पता है कि न्यूट्रिशन इसमें आपका हेटरोट्रॉपिक है, सेप्रोफाइटिक है. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं.
रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली आपको रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो इसको डिटेल में हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं। देखो अलग अलग कॉलम में हमें बात करना ही है, जैसे फंजाई तो चार तरीके से बांटा गया है, पाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस और ट्यूट्रोमाइसिटिस। वहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करेंगे, सबके अंदर रिप्रोडक्शन आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि रिप्रोडक्शन को चारों का चीज़ को एक साथ अलग में मैंने कॉलम बना के डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। वेजिटेटिव में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कैसा कैसा रिप्रोडक्शन देखने मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन से देखने मिल जाएगा, बर्डिंग से देखने मिल जाएगा, ठीक है, फ्यूजन से देखने मिल जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है वेजिटेटिव। ए सेक्सुअल में आपको जैसे कि ऑइडिया स्पोर्स वगैरह देखने मिलेंगे, ऑइडियाज देखने मिलेंगे, ठीक है, क्लेमाइडो स्पोर्स देखने मिल जाएगा, क्लेमाइडो स्पोर देखने मिल जाएगा, ठीक है, स्पोरेंजियो स्पोर देखने मिल जाएगा, स्पोरेंजियो स्पोर देखने मिल जाएगा, जू स्पोर देखने मिल जाएगा। जू स्पोर भी ए सेक्सुअल में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जू स्पोर ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जू स्पोर टाइप ऑफ मॉडिफिक, आपको कॉनिडिया भी इसी में आ जाएगा, कॉनिडिया भी इसी में आ जाएगा, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस अब आ जाइए सेक्सुअल, सेक्सुअल में आपको देखने मिलेगा तीन स्टेप होता है, एक पहले कि आपका प्लाज्मा पहले फ्यूज करेगा, तो प्लाज्मोगैमी होगा पहला, दूसरा फिर होगा कैरियोगैमी, यानी कि न्यूक्लियस आपका फ्यूज करेगा, ठीक है, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे आप खुद से लिख सकते हो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट यहाँ फ्यूज कर गया, कैरियोगैमी में क्या फ्यूज किया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस अगर फ्यूज कर दिया तो 2n बनेगा, प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज करेगा तो n प्लस n बनेगा, डायकैरियन फेज जिसे बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको होता है मियोसिस, मियोसिस होना जरूरी है क्योंकि हमारे पास 2n से n भी तो होना चाहिए, तो ये तुम्हारा 2n से n हो गया। तो यही सेक्सुअल मेथड है, सेक्सुअल मेथड में तीन स्टेप होता है, ठीक है, यानी प्लाज्मोगैमी में जब होगा तो जो दो प्रोटोप्लाज्म सेल के दो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे ना, तो उसके n और n मिलकर क्या हो जाएगा, एन प्लस एन बोलेंगे, अभी पूरा फ्यूज नहीं हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग डायकैरियो फेज बोलते हैं, पहला वाले को डायकैरियन फेज बोलते हैं, पहला वाला कंप्लीट जब हो जाएगा तो डायकैरियन फेज मिलेगा, दूसरा वाला जब 2n बन जाएगा तो हम लोग इसको डिप्लो फेज बोलेंगे, थोड़ा अलग है, डिप्लो फेज, डायकैरियन और डिप्लो फेज दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये डिप्लो फेज हो गया, और जब अगला बन गया यानी कि आपको यहाँ पे अलग हो गया, एक ही है बचा हुआ, तो इसको हेलो फेज बोलते हैं, ठीक। तो ये रिप्रोडक्शन का ओवरव्यू हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, यहीं पे बता देते हैं। अच्छा, एक होता है एंडोजिनसली ग्रो करना, स्पोर्स जो है एंडोजिनसली ग्रो करेगा और एक एक्सोजिनसली ग्रो करेगा, इसका क्या मीनिंग है आपको मिलेगा ये चीज़, ठीक है, हर जगह। एक्सोजिनसली जैसे कॉनिडिया ग्रो कर रहा है, तो कॉनिडिया किसके ऊपर ग्रो करता है, कॉनिडियो स्कोर के ऊपर ग्रो करता है, कॉनिडियो फोर के ऊपर ग्रो करेगा, है ना। फ्रूटिंग बॉडी जब भी डेवलप करेगा तो किसी ना किसी के ऊपर ग्रो करेगा, है ना। तो ये आपको जैसे एस्किडिया है, तो एस्किडिया किसके ऊपर डेवलप करेगा, है ना, एस्को फोर के ऊपर डेवलप करेगा। तो ये बाहर की तरफ से अगर ग्रो कर रहा है तो एक्सोजिनसली हो गया, अंदर की तरफ से अगर ग्रो हो रहा है इसका तो एंडोजिनसली हो गया, ठीक है। अब ये समझ लो कि जो एंडोजिनसली कब होगा और एक्सोजिनसली कब होगा, याद रखना एंडोजिनसली का एग्जाम्पल याद रखना एस्को स्पोर आपका जो है वो एंडोजिनसली हो गया, और एक्सोजिनसली का एग्जाम्पल याद रखना कॉनिडियो जो स्पोर्स है ना, कॉनिडियो स्पोर्स ये आपका जो है एक्सो स्पोर्स में आ जाएगा, एक्सोजिनसली में, ठीक है। तो हम लोग इसको एक्सोजिनसली एंडोजिनसली को यहीं पे समेट के डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और कुछ इसमें हमको लगता नहीं है कि समझने जानने का बात है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि फंजाई को हम लोगों ने चार कैटेगरी में एनसीईआरटी में देखा है, तो उसका नाम कॉमन नेम आप लोग जानते हो, तो ये हम लोग फाइकोमाइसिटिस को हम लोग बोलते हैं एल्गल फंजाई, क्योंकि एल्गी से इसका काफ़ी हद तक इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैच करता है, ठीक है। अगला है एस्कोमाइसिटिस, इसको सैक फंजाई बोलते हैं, देखो यहीं से आपको याद हो जाएगा एस ए सी, इसी को चेंज कर दो थोड़ा तो सैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसको सैक फंजाई याद कर लीजिए। बेसिडियोमाइसिटिस को हम लोग बोलते हैं क्लब फंजाई या ब्रैकेट फंजाई, बी से बेसिडियो, बी से ब्रैकेट, ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर लो। ड्यूट्रोमाइसिटिस में आपको जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ये हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डायकैरियन फेज एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ठीक है, डन। कंपैरिजन चार्ट ये आपके लिए रामबाण है, यहीं से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा और यही आपको पूरा कवर हो जाएगा, आपको पूरा फंजाई यहीं पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कैरेक्टर, सबसे पहले कंपैरिजन जब करेंगे तो कल देखेंगे कैरेक्टर, फिर फाइकोमाइसिटिस,
फिर आपको देखेंगे एस्कोमाइसिटिस, फिर बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। ये कंपैरिजन चार्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर क्लियर समझ जाएंगे ना तो हमारा पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट बैठ जाएगा दिमाग में। तो कैरेक्टर जो है सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं हैबिटाट, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। या सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कॉमन नेम देख लेते हैं, रुको सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन नेम देख लेंगे, वही ठीक रहेगा, कॉमन नेम देख लो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन नेम। तो अभी अभी जैसे पीछे मैंने बताया आपको कॉमन नेम इसका क्या था, एल्गल फंजाई, इसको हम लोग क्या बोले थे सैक फंजाई, इसको क्या बोले थे ब्रैकेट या क्लब फंजाई, ठीक है ब्रैकेट या फिर क्लब फंजाई, और इसको इम्परफेक्ट फंजाई, इसको क्या बोलते थे बच्चा इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। तो पहले तो ये कॉमन नेम हमारा कंप्लीट हुआ। कॉमन नेम के बाद हम लोग क्या बोले आपको देखने हैबिटाट, इसका कहाँ कहाँ प्रेजेंस है। तो हैबिटाट याद कर लो इसका एक्वेटिक होता है जनरली ये, ठीक है, डीकेइंग वुड में यानी सड़ा गला लकड़ी में ये देखने मिल जाएगा आपको, ठीक है, और डैम्प एरिया में देखने मिल जाएगा, डैम्प एरिया में देखने मिल जाएगा। पैरासाइटिक होता है जनरली, तो किसी के बॉडी के ऊपर भी देखने मिल सकता है। सेप्रोफाइटिक है, इसका न्यूट्रिशन सेप्रोट्रॉफिक है, तो इसलिए किसी डेड एंड डिकेड पे ही मिलेगा देखने के लिए, डिकेइंग चीज़ों पे मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। ये सॉइल पे देखने मिल जाएगा, सॉइल वगैरह में, है ना, ट्री के स्टंप में, ये एनसीईआरटी की लाइनिंग के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, ट्री के स्टंप में देखने मिल जाएगा, तना जो होता है पेड़ का। ये पैरासाइटिक होता है, डिकम्पोजर्स होता है, तो ये समझ लो कि डिफरेंट होस्ट के ऊपर ये देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हैबिटाट की कहानी। अगला बात हम लोग करेंगे हैबिटाट के बाद ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, थर्ड पॉइंट हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है थर्ड पॉइंट। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैंने बताया कि ये जू स्पोर्स से डेवलप करता है, जू स्पोर से देखने मिल जाएगा, ए प्लानो स्पोर से इसमें मिल जाएगा, ए प्लानो स्पोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको कोनिडिया देखने मिलेगा, कोनिडिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, यहाँ पे ये एबसेंट होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली एबसेंट इसमें देखने मिलता नहीं है, और यहाँ पे होता है कोनिडिया से। कोनिडिया कैसे डेवलप होता है आपको जस्ट पीछे बताया था, एग्जोजिनसली डेवलप होता है, ठीक है, ये याद रख लेना, एग्जोजिनसली याद रखने का अगर ट्रिक याद रखना है तो यहाँ पे डी है ना, तो डी है तो एंडो नहीं होगा, बस मैं यहाँ पे इसी तरह से याद करता हूँ, एंडो नहीं होगा, इसलिए मैंने डी को वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। अगला बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या डाइकैरियन फेज या प्रोडक्शन ऑफ, इसका करते हैं अगला जो हम लोग लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स ले लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स स्पोर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जोजिनसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एग्जोजिनसली नहीं होगा, यहाँ पे एंडोजिनसली होगा, जू स्पोर्स एंडोजिनसली, एंडो यहाँ पे एंडोजिनसली होगा, ठीक है। यहाँ पे कोनिडिया है तो एग्जोजिनसली होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी अगर प्रोडक्शन होता है तो एग्जोजिनसली होगा, और यहाँ पे आपको प्रोडक्शन हो गया ऑलरेडी मैंने बता चुका है, एग्जोजिनसली, ठीक है। अगला पॉइंट, फिफ्थ नंबर पॉइंट हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं, फिफ्थ नंबर पॉइंट हमारा डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन फेज, डाइकैरियन फेज में हम लोग आ जाएं तो इसमें डाइकैरियन फेज नहीं देखने मिलेगा, देखने केवल यही दो में मिलता है, ठीक है, एस्को और बेसिडियो में डाइकैरियन फेज देखने मिलेगा। तो यहाँ पे इस रीजन में मैं यहाँ पे क्या लिखोगे एबसेंट, ड्यूट्रो में एबसेंट, यहाँ पे भी नहीं देखने मिलता, ठीक है। अब हाइफी की बात कर लें, हाइफी का जगह नहीं मिल रहा है आपको, मैं ऊपर ले जाता हूँ हाइफी पे। हाइफी की अगर हम बात करें तो हाइफी में क्या बात करेंगे भाई, सीनोसाइटिक है कि एसिनोसाइटिक है, है ना, सीनोसाइटिक या नॉन सीनोसाइटिक, सेप्टेट है कि नॉन सेप्टेट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका जो फाइकोमाइसिटिस का होता है वो नॉन सेप्टेट होता है, फाइकोमाइसिटिस का नॉन सेप्टेट होता है, एस्को का सेप्टेट होता है, ठीक है, एस्को का सेप्टेट आप लोग लिख लेना, बेसिडियोमाइसिटिस का भी सेप्टेट होता है, और इसका ड्यूट्रो का जो है उतना इम्प्रिगेटेड नहीं है, तो सेप्टेट एसेप्टेट का पता इसमें नहीं चलता। तो ये पूरा क्लियर है, एक ही है जो नॉन सेप्टेट है एल्गी में, वो है सॉरी फंजाई में, वो एल्गल फंजाई है, वो है फाइकोमाइसिटिस, वो नॉन सेप्टेट है, नॉन सेप्टेट में तो सेप्टा नहीं है तो उसको सीनोसाइटिक हम लोग बोल देंगे, पूरा क्लियर है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, तो फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल हो गया राम, फाइकोमाइसिटिस का एग्जाम्पल क्या हो गया राम, आर ए एम, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से राम इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी कि आर से इसको हम लोग बोल दो, आर से बोल दो राइजोपस, ए से हो गया इसका एब्सिसियस या एल्ब्यूगो एब्सिडिस बोल सकते हो इसको, ठीक है, और एम से हो गया इसका म्यूकर, ठीक।
ये आपको राम याद हो जाएगा पूरा क्लियर। फंजाई इसका, फैकोमाइसिटिस का एग्जांपल याद हो गया। एस्कोमाइसिटिस का एग्जांपल में इसको हम लोग रखेंगे एस्परजिलस, नाम है ए से एस्परजिलस। पहला एग्जांपल याद रख लो एस्परजिलस। दूसरा एग्जांपल जो है इसमें पेनिसिलियम भी इसी में आता है, न्यूरोस्पोरा भी इसी में आएगा, न्यूरोस्पोरा भी इसी में आएगा, ठीक है। यही तीन एग्जांपल आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बैसिडियोमाइसिटिस में। बैसिडियोमाइसिटिस में जो याद रखना है, बैसिडियोमाइसिटिस में जो याद रखना है वो आ जाएगा आपको एगेरिकस, सबसे फेमस है एगेरिकस, ठीक है। दूसरा है इसमें स्टिलैगो फंजाई स्मट इसे कॉज करता है, और तीसरा है पक्सिनिया जो रस्ट कॉज करता है, ठीक है। ये याद रख लेना, ये तो स्मट फंजाई बोलते हैं इसको, और ये रस्ट कॉज करता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग का ड्यूट्रोमाइसिटिस का भी दो तीन एग्जांपल एनसीईआरटी में है। देखो ये डांस कर रहा है ड्यूट्रोमाइसिटिस, क्योंकि इम्परफेक्ट है। तो ये ड्यूट्रोमाइसिटिस में हम लोग याद रखना है अल्टरनेरिया, ठीक है। उसके बाद इसके में और आ जाएगा फ्यूजेरियम भी आता है इसका एग्जाम्पल में, फ्यूजेरियम। तीसरा है कॉलेक्टोट्राइकम, और इसके एग्जांपल्स में आ गए कलेक्टोट्राइकम, गिबरेला भी इसी का एग्जांपल है, गिबरेला, ठीक है। ये हो गया इसका डन, ओके। सो दीज आर एग्जांपल एंड वी हैव आल्सो कवर्ड फोर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फंजाई आल्सो, है ना। सारा क्लियर हो गया, डन। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, चार सब टॉपिक है जो एक्स्ट्रा में एनसीईआरटी को किंगडम से बाहर जिसे रख दिया गया था, नाइंसाफी जिसके साथ किया गया था, उसे चारों को अलग अलग करके यहाँ पे पढ़ना है। वायरस, वायरवाइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस, इसी को थोड़ा ध्यान से समझिए। वायरस क्या होता है, वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन मटेरियल है, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लियस, यानी कि इसके पास न्यूक्लिक मटेरियल होगा, आरएनए डीएनए जो भी होगा, और प्रोटीन पार्ट भी होगा। अब सुनो, इस न्यूक्लियो प्रोटीन में से केवल आपके पास न्यूक्लिक पार्टिकल है, प्रोटीन यहाँ पे एबसेंट अगर हो जाए, प्रोटीन अगर एबसेंट हो जाए तो उसको कौन से कैटेगरी में रखोगे, वायरवाइड्स में, ठीक है। अगर केवल प्रोटीन प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोइड मटेरियल एबसेंट हो जाए, तो उसको किस में रखोगे, प्रियॉन्स में। तो ये तीनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, मैंने आपको क्लियर यहीं पे बता दिया। वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोइड मटेरियल, आरएनए डीएनए प्रेजेंट, कोई भी एक हो सकता है, आरएनए या डीएनए। अब ये बात है न्यूक्लिक, यहाँ पे प्रोटीन भी और न्यूक्लिक मटेरियल भी है, लेकिन वायरवाइड्स में क्या है, ओनली फॉर ओनली न्यूक्लिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है। प्रियॉन्स में क्या है कि प्रियॉन्स में प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक मटेरियल नहीं होता। लाइकेंस भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लाइकेंस मतलब कि एल्गी का और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें एल्गी क्या करेगा, फूड प्रोड्यूस करेगा, फंजाई क्या करेगा, उसके माइसिलियम के मदद से वो डीप पेनिट्रेट करके रूट के अंदर जाएगा, सॉइल के अंदर जाएगा, और वहां से न्यूट्रिएंट्स को ला करके एल्गी को देगा, एंड एल्गी विल मेक देयर फूड, राइट। सो ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलता है। तो ये है पूरा का पूरा वायरस, वायरवाइड्स और लाइकेंस के बारे में, ठीक है। थोड़ा और इस पर हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी का देख लेते हैं। तो वायरॉइड्स के वायरस के बारे में दो इंपॉर्टेंट फिगर है, ये आपका जो है वो फिगर दिया हुआ है टीएमबी का, टोबैको मोजैक वायरस का। ये आरएनए वायरस होता है, ठीक है, आरएनए वायरस है, और ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का भी आपके पास एनसीईआरटी में डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज मतलब दैट वायरस, वायरस विच फीड ऑन बैक्टीरिया, विच फीड ऑन बैक्टीरिया, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अपना भोजन बनाते हो, बैक्टीरिया को फीड करने वाला वायरस, ठीक है। एक तरह से ये वायरस ही है, नाम से कंफ्यूज मत होना, नाम से लग रहा है बैक्टीरियो फेज है, तो ऐसा लग रहा है कि वायरस नहीं बैक्टीरिया है, बट इट इज नॉट सो, राइट। अब बात कर लेते हैं कि वायरस क्या प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट। सो ये बात आता है कि इट इज नाइदर प्रोकैरियोट नॉर यूकैरियोट, नाइदर प्रोकैरियोट्स नॉर यूकैरियोट्स, ना तो ये प्रोकैरियोट्स है ना ये यूकैरियोट्स है, ठीक है। यानी इसको रखेंगे कहाँ पे, तो ये बाउंड्री ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग पे रहता है, ये लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है, तो बाउंड्री पे रखा जाता है। लिविंग के साथ मिला तो ये लिविंग का ही
पूरा मैकेनिज्म यूज़ करके खुद को लिविंग बना लेता है, और अगर नॉन लिविंग के साथ रहा तो ये पूरा उस वक्त क्या रहता है, इनएनिमेट रहता है, मतलब से नॉन लिविंग टाइप बिहेव करता है। ठीक है, तो ये चलिए क्लियर हो गया कि वायरस जो नाम है वो क्या दिया गया था, वायरस नाम जो दिया गया था वो पाश्चर के द्वारा दिया गया था, नेम जो दिया गया था वायरस जो टर्म दिया गया था बाय लुईस पाश्चर, जिन्होंने ये वायरस का मतलब क्या बताया था, पॉइजन, वायरस का मतलब क्या होता है पाश्चर ने जो बताया था उसके हिसाब से पॉइजन बताया था। दो तीन साइंटिस्ट और हैं उसके बारे में डिस्कस करा है एनसीईआरटी ने, तो हम लोग उस भी उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ग जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आवन स्काई की, अवनो स्काई। अवनो स्काई ने क्या कहा था, अवनो स्काई ने कहा कि वायरस को इन्होंने डिस्कवर्ड किया, हु हैज डिस्कवर्ड वायरस, तो अवनो स्काई हैज डिस्कवर्ड वायरस। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स जो कि मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज कर रहा था, मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज कर रहा था, वहां से इन्होंने निकाला। ठीक है, तो ये अवनो स्काई का याद रखिएगा साइंटिस्ट का। एक साइंटिस्ट है एम डब्ल्यू बेजरनिक, थोड़ा सा स्पेलिंग उसको देख लेना। एम डब्ल्यू बेजरनिक ने क्या किया कि डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो एक्सट्रैक्ट था, एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट था उसको अगर लिक्विड जो निकाला उन्होंने, तो इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अदर प्लांट, दूसरे प्लांट को भी इन्फेक्ट कर दे रहा था। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम भीभम फ्लूडम, यानी कि अगर कॉन्टैक्ट में आओगे तो इससे तुमको भी बीमारी हो जाएगा, तो कॉन्टेजियम भीभम फ्लूडम का नाम इन्होंने दिया, फ्लूडम यानी कि इन्फेक्शियस, बोल सकते हो इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। इसका मीनिंग क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। तीसरे साइंटिस्ट जो आए थे वो हैं स्टैनले। ठीक है, यहाँ एम डब्ल्यू है, यहाँ डब्ल्यू एम कर दो, डब्ल्यू एम स्टैनले ने क्रिस्टलाइज करा था पार्टिकल्स को। ठीक है, डब्ल्यू एम क्रिस्टलाइज द पार्टिकल यानी प्रोटीन को इन्होंने क्रिस्टलाइज करके बताया था। ठीक है, तो ये तीन साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको डिटेल समझा दिया। ठीक है, अब वायरस के बारे में भी मैंने बताया कि वायरस में आपका जनरली क्या हो सकता है, या तो डीएनए या तो आरएनए, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये डीएनए और आरएनए जल्दी से मिलेगा कि इसमें मेजोरिटी ऑफ द प्लांट जो आपका इन्फेक्शन करेगा, प्लांट का जो वायरस होगा उसमें आपको आरएनए मिलेगा, प्लांट के वायरस के आरएनए मिलेंगे, डीएनए आपको एनिमल के वायरस में जल्दी से मिलेगा। ठीक है, एनिमल के वायरस जो भी होते हैं वो जल्दी से आपको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा। तो डीएनए में भी आपका जो है दो तरीका का है, डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड ऐसे देखने मिलेगा। ठीक है, आरएनए में भी आपको जो है डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड मिल जाएगा। ठीक है, डन। तो ये चार तरीके से इसको क्लासिफाई कर सकते हो, डेट इज नॉट ऑफ योर कोर्स, बट एक तरह से मैं समझा दिया। वायरवाइड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, वायरवाइड्स में क्या होता है, प्रोटीन लैक हो जाता है, प्रोटीन नहीं होगा वायरवाइड्स में। ठीक है, देयर विल बी नो प्रोटीन इन वायरवाइड्स। तो वायरवाइड्स का टर्म किसने दिया था, ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है, टी ओ डिनर ने इसको डिस्कवर्ड किया था, टी ओ डिनर हैज डिस्कवर्ड वायरवाइड्स। कब डिस्कवर्ड किया था गाइज, तो 1971, ये डेट भी याद रख लेना। ठीक है, वायरवाइड्स में क्या होता है, मैं आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में समझा दूं, वायरस से अगर तुम प्रोटीन निकाल लियो तो ये हो गया प्रोटीन कोट, अगर उसका निकाल लियो तो यही है वायरवाइड्स, बस इतना अगर आपको याद है तो समझ गए। वायरवाइड्स को हम लोग फ्री आरएनए के रूप में देख सकते हैं, फ्री आरएनए बोल सकते हो इसको। ठीक है, मॉलिकुलर वेट इसका जो थोड़ा कम होता है वायरस के कंपेरिजन में, इसका मॉलिकुलर वेट थोड़ा कम होता है, लो मॉलिकुलर वेट होता है, ये सब कुछ आ सकता है, स्मॉलर देन वायरस होता है, ये सब भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, क्या कुछ बीमारी कॉज करता है, तो इसका एक दो याद रख लो, पोटैटो स्पिंडल वायरस इसका है, ये ही कॉज करता है, वायरवाइड्स ही कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल वायरस। ठीक है, क्रिसेंथमम स्टंट एक डिजीज होता है, क्रिसेंथमम स्टंट डिजीज, ये भी यही कॉज करता है। ठीक, अब आ जाते हैं प्रियोन्स में, तो प्रियोन्स का मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी, प्रियोन्स का क्या था कि ये वायरस में क्या हटा दोगे, सॉरी यहाँ पे तो हमें प्रियोन्स लिखना चाहिए था पहले इक्वेशन बनाने में, तो यहाँ प्रियोन्स लिखेंगे,
तो यहाँ पे हम लोग प्रियोन्स में क्या जानते हैं कि प्रियोन्स मतलब हो गया कि वायरस से आपको क्या हटा देना है, जेनेटिक मटेरियल हटा देना है। तो जेनेटिक मटेरियल हटा दो तो क्या बच गया, केवल और केवल प्रोटीन बच गया। तो ये एक तरह से इन्फेक्शियस प्रोटीन हो गया, क्या हो गया, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन हो गया, इन्फेक्शियस प्रोटीन हो गया। ठीक है, ये प्रियोन्स क्या है, इन्फेक्शियस प्रोटीन है। ठीक है, प्रियोन्स को इट वॉज नेम्ड बाई, किसने किया था, नेम्ड बाई पी से ही है, प्रूजनर, प्रूजनर ने प्रियोन्स का नाम दिया था, प्रूजनर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और ये डिजीज कैसे कैसे डिजीज कॉज करते हैं, तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, बोवाइन के केस में होता है। ठीक है, कैटल में, तो बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, सेफेलोपैथी, ठीक है, ये कॉज करता है ये डिजीज। तो डिजीज भी आपको याद रखिएगा, BSE डिजीज ये कॉज करता है। और कौन कौन से डिजीज ये कॉज करता है, इट इज ऑल्सो कॉजिंग कुरू डिजीज, कुरू डिजीज बोलते हैं, लाफिंग डेथ इसको बोला जाता है, लाफिंग डेथ इन ह्यूमन, कुरू डिजीज भी यही कॉज करता है। और कौन से डिजीज हैं, जैसे स्कॉर्पी डिजीज भी है, स्कॉर्पी डिजीज भी यही कॉज करता है। तो ये सारे डिजीज इसमें प्रियोन्स के द्वारा देखने मिल जाएंगे आपको। लाइकेंस, दैट इज द वेरी लास्ट टॉपिक, लाइकेंस आपको मैंने बोला कि एल्गी और क्या है, फंजाई का समागम है। ये आपको क्या करेगा, फूड बनाएगा, फूड मैन्युफैक्चर फूड करेगा, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर फूड करेगा। और ये क्या लाएगा, न्यूट्रिएंट्स लाएगा फ्रॉम सॉइल, सॉइल से ये न्यूट्रिएंट्स ला करके देता है, ब्रिंग, यानी एक तरह से क्या है, मार्केट से सब्जी लाना इसका काम है और इसका बनाना काम है। तो यही है एक चीज़, ठीक है, ये लाइकेंस इज अ, बोल सकते हो लाइकेंस आर ड्यूअल ऑर्गेनिज्म, यहाँ आपको ड्यूअल ऑर्गेनिज्म देखने मिलेगा। ज़्यादातर को लोगों को दिखने से समझ में नहीं आता कि ये दो हैं इसके अंदर, लेकिन आपको ऐसा नेचर का समझो कि एक तरह से कंपैशन है कि दैट इज लुकिंग लाइक सिंगल ऑर्गेनिज्म बट है ये दो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लोग एल्गल पार्ट को बोलते हैं, एल्गल पार्ट और फंजल पार्ट का कभी कभी आ जाता है, तो एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायंट, फाइकोबायंट पार्टनर ऑफ दैट इज कॉल्ड फाइकोबायंट, और इसको बोलते हैं माइकोबायंट। ठीक, माइकोबायंट, फाइकोबायंट, माइकोबायंट याद रखिएगा। ठीक है, और इसके रिलेशनशिप को कभी कभी एक टर्म दिया गया है, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज, रिलेशनशिप इज नोन एज, इस तरह के रिलेशनशिप को हेलोटिज्म बोलते हैं, नौकरशाही एक तरह से है, क्योंकि यहाँ पे राजा की तरह रह रहा है फंजाई, जो कि अपना ऑर्डर के तौर पे फूड बनावा रहा है और खा रहा है। तो ये तरह से ये हेलोटिज्म देखने मिल सकता है। ठीक है, तो फंगल पार्टनर आपको कॉमनली, जो फंगल पार्टनर है, तो मोस्ट कॉमनली यहाँ पे फंगल पार्टनर आपको एस्कोमाइसिटिस देखता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा लाइकेंस में कौन सा फंजाई होता है, तो ये एस्कोमाइसिटिस होता है, कॉमनली एस्कोमाइसिटिस देखने मिल जाएगा। दैट इज क्लियर, ओके। और एक चीज़ याद रखिएगा, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे अगर पॉल्यूशन हो रहा होगा तो यहाँ पे लाइकेंस एब्सेंट होगा, पॉल्यूशन वाले जगह पे ये लाइकेन क्या होता है, एब्सेंट होता है, पॉल्यूशन वाले जगह पे लाइकेन एब्सेंट होता है। तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है, दिस इज पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अभी हम लोग जब सक्सेशन पढ़ेंगे, इकोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जेरार्क सक्सेशन में, जेरार्क सक्सेशन में ये एकदम शुरुआत के सक्सेशन में ये यहाँ पे देखने मिलता है। ठीक है, एकदम जब स्टार्ट हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, सक्सेशन एकदम शुरुआत हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये देखने मिलता है। ठीक है, अच्छा, पॉल्यूशन इंडिकेटर में मोर स्पेसिफिकली कौन से गैस के इंडिकेटर है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति का इंडिकेटर, तो ये याद रख लीजिएगा, अगर आपको पूछता है कि कौन से गैस का इंडिकेटर है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इन मच डिटेल, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, एंड दिस इज ऑल वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरे डिटेल डिस्कशन के साथ हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नो एनी इवन सिंगल टॉपिक इज लेफ्ट फॉर यू, यू हैव टू जस्ट वॉच दिस एंटायर वीडियो, एंड द टॉपिक और द चैप्टर इज वेल इलस्ट्रेटेड एंड कंप्लीटली एक्सप्लेन टू यू। दिस इज ऑल अप टू द कोर्सेज, थैंक यू सो मच। इफ एनी डाउट यू कैन मैसेज इन द इंस्टा एज वेल, थैंक यू सो मच।